हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है द केरला स्टोरी जहाँ पे इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है साथ ही में जो तमिल वर्जन है तेलुगु, मलयालम ये जो सभी वर्जन है वो कौन से ओटीटी टी प्लेटफॉर्म कौन से सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उसके अलावा फिल्मिंग के ऊपर भी डिटेलिंग दी जाएगी फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहां पे कहानी के ऊपर चर्चा करेंगे साथ ही में इस फिल्म के आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूज़िक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी बातचीत होने वाली है तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं द केरला स्टोरी तो इस फिल्म को काफ़ी लंबे समय से बनाने की कोशिश चल रही थी जहाँ पे फाइनली 2023 में इस फिल्म को पूरी तरह से तैयार किया हुआ था वैसे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसकी रीज़न है वैसे न्यूडिटी ऐसा कुछ दिखाया नहीं है लेकिन जिस तरह का फिल्म का जो टॉपिक है उसमें कुछ रेप के केस दिखाए हुए तो उन सभी चीज़ों को इसमें बताया हुआ है तो इस वजह से ये सभी चीज़ें जो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी और यही सब रीज़न के चलते ए सर्टिफिकेट फिल्म को मिला हुआ है द केरला स्टोरी फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सुदीप तो सेन ने स्टोरी आइडिया उनका ही था इसके अलावा जो राइटिंग है उसमें काम किया हुआ है सूर्यपाल सिंह विपुल अमृत शाह और सुदीप तो सेन ने विपुल अमृतलाल लाल शाह ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे सनसाइन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है म्यूजिक के राइट्स ही उन्होंने अपने ही पास रखे हुए थे ये एक 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है जहाँ पे ये एक ओरिजिनल जो कहानी घटना घटी है वो घटती रहती है उसके ऊपर बेस्ड है तो इस फिल्म में काफ़ी सारे अलग अलग जो टॉपिक है उसके ऊपर फोकस किया हुआ है जैसे कि इसमें लव जिहाद के ऊपर फोकस किया हुआ था जिस तरह से इस्लाम में कन्वर्ट करते लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उन सभी चीज़ों के ऊपर भी फोकस किया हुआ है तो वो सभी चीज़ें केरला और कर्नाटक में मैंगलोर में काफ़ी ज़्यादा होती है तो उन सभी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है वैसे इस फिल्म को जब बनाया गया तो बॉलीवुड की तरफ से कोई ऑफिशियली इस फिल्म को वैसे सपोर्ट नहीं मिला हुआ है लेकिन इस फिल्म को स्टैंड अलोन तरीके से जैसे कि इस फिल्म को एक पब्लिक डोमेन में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला हुआ है पब्लिक की तरफ से ज़्यादा सपोर्ट मिला हुआ है वैसे फिल्म को रिलीज़ किया गया तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल हुआ है जो मैं वो समोसा क्रिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ जेन्यून ऑडियंस जेनुअन पब्लिक की बात कर रहा हूँ सभी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेज से लेकर टेक्निकली इस फिल्म को वेल मेड तरीके से बनाया हुआ है अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है हाँ फिल्म का बजट कम था तो उस हिसाब से चीज़ों को इधर उधर थोड़ा बहुत आपको इग्नोर करना पड़ेगा लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी खासी तरीके से बनी गई फिल्म है जो मैसेज करने किया हुआ जिस तरह से चीजों को डायरेक्टर ने दिखाया हुआ था वो बढ़िया था जहाँ पे जो स्टोरी लिखी हुई थी जिस तरह से चार लड़कियों की कहानी दिखाई हुई थी उसमें जो सभी चीजें डेवलप की हुई थी किरदारों के अंदर जो एक उन्होंने देख क्रिएट की हुई थी साथ ही में जो हकीकत में जो घटनाएं घटी थी उन सभी चीजों के ऊपर जिस तरह से फोकस किया हुआ था अफग़ान जेल वाले सीक्वेंस थे इसके अलावा इंडिया में जो मलयाली लड़कियों को जिस तरह से अलग अलग तरीके से हिंदू लड़कियों को और क्रिश्चियन अलग अलग कम्युनिटी की लड़कियों को का मुस्लिम में कन्वर्ट करते इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करवा के जो सभी चीज़ें फिल्म में ब्रेन वॉश किस तरह से करते उसमें जो एक डिटेलिंग के साथ चीज़ें दिखाई हुई वो बढ़िया है उसके बाद में वो सभी चीज़ें जब हो जाती उसके बाद में उन लड़कियों के साथ क्या होता है वो सभी चीज़ें दिखाई हुए वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाई हुई है ये सभी चीजें देखते समय आप जरूर शौख हो जाओगे डायरेक्टर ने जिस तरह चीज़े को पेश किया हुआ वो काफ़ी बढ़िया है इससे पहले आपने कश्मीर फाइल फिल्म देखी हुई होगी वो फिल्म पिछले साल आई थी उसमें जिस तरह से चीज़ों को सच्चाई को हमारे सामने फैक्ट्स के साथ दिखाने की कोशिश की हुई थी ओरिजिनल जो चीज़ें घटी थी ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश की हुई थी ठीक उसी तरह ये फिल्म भी केरला मैंगलोर इस जैसे शहर में जो ये सभी चीज़ें हो रही है वहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी है वो दिखाने की कोशिश की हुई है किस तरह से लवू जिहाद का एंगल दिखाया हुआ जिस तरह से एक इस्लाम में कन्वर्ट करने का जो एंगल दिखाया वो सभी चीज़ें डायरेक्टर ने बखूबी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है जो रियल लाइफ इंसिडेंट थे जो रियल एविडेंस थे वो सभी चीज़ें इस फिल्म में ज़रूर दिखाई हुई है जो काफ़ी बढ़िया थी जहाँ पे प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी अच्छी थी कम से कम बजट में सभी चीज़ों को जिस तरह से डेवलप किया हुआ है हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया है वैसे इनिशियल डेज पे इस फिल्म को केरला में और बेंगलोर में शूट करने का फ़ैसला लिया था लेकिन वो थोड़ा मुश्किल था उसको आगे जाके थोड़ी मुसीबत आ रही थी और ये सभी चीज़ों के बीच में इस फिल्म को बाद में जब बनाया गया तब काफ़ी ज़्यादा एक अलग अलग लोकेशन चूज़ किए वहाँ पे इस फिल्म को पूरी तरह से शूट किया गया वैसे इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया है लेकिन कुछ सेक्शन ऑफ लिबरल्स से कुछ ऐसे ऑडियंस है जो वोकिजम वाले ऑडियंस है जो इसमें एजेंडा फालतू का बेफ़ालतू का एजेंडा डालने की कोशिश कर रही है तो वो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो केरला की वो इस फिल्म को दबाने की कोशिश कर रही है वो इसको क्रिटिसाइज़ कर रही है ओवरऑल देखा जाए तो ये फिल्म ऐसा कुछ एजेंडा नहीं है ना तो कोई कुछ चीज़ें इसमें दिखाई हुई ये प्योर रियल इंसिडेंट के ऊपर बनाई गई फिल्म है हाँ जो फिल्म की कहानी है उसको डेवलप करने के लिए चीजों को थोड़ा कनेक्ट किया है अदरवाइज इस फिल्म की जो कहानी है जो घटनाएं दिखाई गई है जिस तरह से इसमें ब्रेन वॉश करते हुए दिखाया हुआ है इससे भी काफ़ी ब्रूटल वे में सभी चीज़ों को किया जाता है ब्रेन वॉश करके जो इस्लाम धर्म में इस लड़कियों को जो बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है उसके बाद में जिस तरह से जो सीरिया में इराक में जो उनके साथ होता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक सीरिया में जिस तरह से इन लड़कियों को धीरे धीरे इनके पास जो चीज़ें करवाई जाती है वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखाए हुए फिल्म की एडिटिंग संजय शर्मा ने की हुई है जिन्होंने अच्छी तरह से फिल्म का एडिटिंग किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट ब्रिजेश रेनवाला और विशाख ज्योति ने किया हुआ जिन्होंने बखूबी इस फिल्म के जो गाने बैकग्राउंड स्कोर है उसमें काफ़ी काम किया हुआ है इस फिल्म की इन सभी चीज़ों को ये सभी टेक्निकल टीम की तरफ से अच्छा सपोर्ट मिला हुआ था 2010-12 के बाद जितने भी जो केस आए हुए उसके ऊपर इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया हुआ है फिलहाल में बताया जा रहा है कि ये सिर्फ इंडिया का इश्यू नहीं है फिल्म में सभी चीज़ें दिखाई गई वो ये पूरे वर्ल्ड का इश्यू है क्योंकि ये इस्लाम कन्वर्ट वाला जो प्रोपोगेंडा है जो एक चीज़ है वो पूरे दुनिया में घूम रही है इंडिया में भी सिर्फ केरला और कर्नाटक तक, तक ये सीमित नहीं रही है ओवरऑल सभी जगह पे इसको प्रॉपर वे में दिखाने की कोशिश की जा रही है तो ये सभी चीज़ें जो घटनाएँ घट रही है जो सभी चीज़ें हो रही है इसके पीछे काफ़ी बुरी एक जो एक नीति है जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने के वो काफ़ी एक ख़राब तरीके से उसका यूज़ किया जा रहा है क्योंकि इस्लाम धर्म कन्वर्ट करने के बाद उसमें भी काफ़ी ब्रूटल वे में उनके साथ चीज़ें की जाती है लाहौ जिहाद का जो एंगल है वो सभी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा हद हाँ तक का एक प्रोपोगंड आइडिया है जो इस कंट्रीज़ में अलग अलग कंट्रीज़ में यूज़ किया जा रहा है तो उन सभी के चीज़ों के अगेंस्ट खड़ा रहना ज़रूरी है तो ये सभी चीज़ें इस फिल्म में ज़रूर दिखाई हुई है जिस तरह से इस फिल्म में बाद में उन विक्टिम्स के साथ क्या होता है उन सभी चीज़ों के ऊपर भी बातचीत की हुई है किस तरह से बाद में गवर्नमेंट की तरफ से टेक रहता है किस तरह से बाद में उनकी फैमिलीज को क्या चीज़ों को सफ़र करना पड़ता है वो लड़कियों को क्या का सफर करना पड़ता है उन सभी चीजों के ऊपर भी बातचीत की हुई फिल्म में अदा शर्मा देखने को मिलेगी जिन्होंने सालिनी का रोल प्ले किया हुआ है जो उनका कन्वर्ट होने के बाद का नाम है योगी ने निमा का रोल प्ले किया हुआ है सोनिया बालानी ने इस फिल्म में आसिफा का रोल प्ले किया हुआ है सिद्धि इदनानी ने गीतांजलि का रोल प्ले किया हुआ है देवादर्शिनी विजय कृष्णा प्रणय पांचोरी प्रणव मिश्रा ये सभी आर्टिस्ट फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इसके अलावा फिल्म के प्रोड्यूसर इस फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर दिखाई देंगे जिनका नाम है विपुल अमृतलाल लाल शाह इस फिल्म के जो आर्टिस्ट है उन्होंने बखूबी अपना काम किया हुआ है अदा शर्मा सालिनी उन्नी कृष्णन के रोल में अपना इम्पेक्ट छोड़ती हुई नजर आती है जिस तरह का उनके फेशियल एक्सप्रेशन थे जो डायलॉग थे जो बॉडी लैंग्वेज थी जिस तरह से वो जो ब्रेन वॉश वाले सीन्स थे उसके बाद में उनके साथ जो घटनाएं घटती है उसमें उनका जो काम देखने को मिलता है उनके अपने किरदार के प्रति जो अपरोध देखने को मिलता है वो बढ़िया था इसी तरह जो दूसरी एक्ट्रेसिस थी जो आर्टिस्ट थे उन्होंने भी बखूबी एक रो रियल परफॉर्मेंस दी हुई है डायरेक्टर का यहाँ पे प्रोड्यूसर डायरेक्टर का एक सलामी देना चाहूँगा क्योंकि इतना ब्रूटल वे में जो सच्चाई दिखाई हुई है वो बढ़िया है वैसे कोई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिलहाल तक मैंने नहीं देखा है कि कोई इस तरह की फिल्मों का टेक लेता है तो इस फिल्म में जिस तरह से प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने अपना ओपिनियन शेयर किया हुआ है अपनी जो बातें रखी हुई थी जो ओरिजिनल रियल इंसिडेंट घटे हुए उसके ऊपर जो बातचीत की हुई है वो बढ़िया है उसमें कोई उन्होंने प्रोपोगेंडा एड नहीं किया हुआ है ना तो उन्होंने उसमें कोई ऐसी चीज़ दूसरी ऐसी चीज़ ऐड की हुई है जिसकी वजह से जो ओरिजिनल फेक्ट्स है उसको तोड़ मरोड़ के दिखाने की कोशिश नहीं की हुई है सभी चीज़ें सच्चाई और रियलिस्टिक के साथ दिखाई हुई है तो ये सभी चीज़ें जो फिल्म को बेहतर बनाती है और इस फिल्म को भले ही एज सर्टिफिकेट मिला हो लेकिन मैं कहूँ तो आप कोई फिल्म फैमिली के साथ जरूर देखनी चाहिए सभी लड़कियों को भी देखनी चाहिए ओवरऑल इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए हो सके तो अपने आसपास इसको शेयर करना चाहिए तो ये सभी इंसिडेंट ये फिल्म देखने के बाद लोगों के दिमाग में बैठेगा तो ये सभी चीज़ों के ऊपर एक अच्छा इम्पेक्ट पड़ेगा कि जो ये ब्रेन वॉश हो रहा है तो उन सभी चीज़ों से लड़कियाँ बच सकती है और फ्यूचर भी बेटर हो सकता है तो ये एक अच्छी बनाई गई फिल्म अच्छे इंटेंशन के साथ बनाई गई फिल्में और ऑडियंस की तरफ उतना ही सपोर्ट मर मिल रहा है पाँच मई 2023 को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था तो उससे पहले फिल्म का टीज़र ट्रेलर आउट हुआ था उसको भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था सपोर्ट मिला था फिल्म को जब रिलीज़ किया गया फिल्म को एक अच्छे खासे सोर्स दिलवाए गए और फिल्म को बेहतर रिलीज़ मिली जहाँ पर ऑडियंस भी इस फिल्म को जाके देख रही है वैसे फ़िलहाल में इस समय में जिस तरह की ऑडियंस की एक थाट प्रोसेस है उस हिसाब से फिल्म अगर कोई नॉर्मल फिल्म रहती तो ऑडियंस देखने नहीं आती लेकिन इस फिल्म के लिए सभी ऑडियंस ने टाइम निकाला हुआ है सभी लोग देखने जा रही काफी पॉजिटिव टॉक मिल रहा है फिल्म के प्रति और फिल्म ने एक अच्छी अवेयरनेस क्रिएट की हुई वो सभी चीज़ों के ऊपर बातचीत हो रही है तो आपको ये फिल्म फिलहाल में थिएटर में जाके जरूर देखनी चाहिए एक थिएटर में जाके देखने वाली फिल्म में साथ ही में सभी को ये शेयर भी करना चाहिए चीज़ें इस फिल्म को इलीगल तरीके से नहीं देखना चाहिए ना तो कोई पायरेसी प्रिंट्स देखनी चाहिए इस फिल्म को डायरेक्ट ओरिजिनली आपको थिएटर में देखना चाहिए अदरवाइज आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आने का वेट कर सकते हो तो गाइज इस फिल्म को मिस नहीं करना चाहिए ज़रूर देखना चाहिए फिल्म में एक अच्छा मैसेज है मैसेज है कोई प्रोपोगेंडा नहीं है और रियलिटी को दिखाने की कोशिश की हुई है तो ये सभी चीज़ें फिल्म की पॉजिटिव साइड है जिसकी वजह से फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए एक अच्छी खासी फिल्म है जिससे एक अच्छा मैसेज मिलता है और साथ ही में जो घटनाएँ घटी है, है उसके बारे में आप अवेयर भी हो जाओगे तो अब इस फिल्म को अब ओ टी टी सेटेलाइट के ऊपर कैसे देख सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें तो फिलहाल में फिल्म थिएटर में चल रही है आने वाले कुछ महीनों में इस फिल्म को बाद में ओ टी टी पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म का नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है वहीं पर आने वाले उसके कुछ समय के बाद इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल के ऊपर एक अलग वर्जन क्रिएट किया जाएगा क्योंकि इसको ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो सैटेलाइट के लिए यू ए सर्टिफिकेट क्रिएट करवा के इस फिल्म को रिलीज़ करवाया जाएगा टेलीविजन के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के बाद ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर भी रिलीज करवाया जाएगा द केरला स्टोरी तो इस फिल्म को काफ़ी लंबे समय से बनाने की कोशिश चल रही थी जहाँ पे फाइनली 2023 में इस फिल्म को पूरी तरह से तैयार किया हुआ था वैसे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसकी रीज़न है वैसे न्यूडिटी ऐसा कुछ दिखाया नहीं है लेकिन जिस तरह का फिल्म का जो टॉपिक है उसमें कुछ रेप के केस दिखाए हुए तो उन सभी चीज़ों को इसमें बताया हुआ है तो इस वजह से ये सभी चीजें जो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी और यही सब रीज़न के चलते ए सर्टिफिकेट फिल्म को मिला हुआ है द केरला स्टोरी फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सुदीप तो सेन ने स्टोरी आइडिया उनका ही था इसके अलावा जो राइटिंग है उसमें काम किया हुआ है सूर्य पाल सिंह विपुल अमृतलाल शाह और सुदीप तो सेन ने विपुल अमृतलाल शाह ने ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जहां पे सनसाइन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है म्यूज़िक के राइट्स ही उन्होंने अपने ही पास रखे हुए थे ये एक 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है जहाँ पे ये एक ओरिजिनल जो कहानी घटना घटी है वो घटती रहती है उसके ऊपर बेस्ड है तो इस फिल्म में काफ़ी सारे अलग अलग जो टॉपिक है उसके ऊपर फोकस किया हुआ है जैसे कि इसमें लव जिहाद के ऊपर फोकस किया हुआ था जिस तरह से इस्लाम में कन्वर्ट करते हैं लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उन सभी चीज़ों के ऊपर भी फोकस किया हुआ है तो वो सभी चीज़ें केरला और कर्नाट तक में बेंगलोर में, में काफ़ी ज़्यादा होती है तो उन सभी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है वैसे इस फिल्म को जब बनाया गया तो बॉलीवुड बो, की तरफ से कोई ऑफिशियली इस फिल्म को वैसे सपोर्ट नहीं मिला हुआ है लेकिन इस फिल्म को स्टैंड अलोन तरीके से जैसे कि इस फिल्म को एक पब्लिक डोमेन में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट, जा, सपोर्ट मिला हुआ है पब्लिक की तरफ से ज्यादा सपोर्ट मिला हुआ है वैसे फिल्म को रिलीज़ किया गया तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल हुआ है जो मैं वो समोसा क्रिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ जेन्यून ऑडियंस जेन्यून पब्लिक की बात कर रहा हूँ सभी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेज से लेकर टेक्निकली इस फिल्म को वेल मेड तरीके से बनाया हुआ अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है हाँ फिल्म का बजट कम था तो उस हिसाब से चीज़ों को इधर उधर थोड़ा बहुत आपको इग्नोर करना पड़ेगा लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी खासी तरीके से बनी गई फिल्म है जो मैसेज करने किया हुआ जिस तरह से चीजों को डायरेक्टर ने दिखाया हुआ था वो बढ़िया था जहाँ पे जो स्टोरी लिखी हुई थी जिस तरह से चार लड़कियों की कहानी दिखाई हुई थी उसमें जो सभी चीजें डेवलप की हुई थी किरदारों के अंदर जो एक उन्होंने देख क्रिएट की हुई थी साथ ही में जो हकीकत में जो घटनाएं घटी थी उन सभी चीजों के ऊपर जिस तरह से फोकस किया हुआ था अफग़ान जेल वाले सीक्वेंस थे इसके अलावा इंडिया में जो मलयाली लड़कियों को जिस तरह से अलग अलग तरीके से हिंदू लड़कियों को और क्रिश्चियन अलग अलग कम्युनिटी की लड़कियों को का मुस्लिम में कन्वर्ट करते इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करवा के जो सभी चीज़ें फिल्म में ब्रेन वॉश किस तरह से करते उसमें जो एक डिटेलिंग के साथ चीज़ें दिखाई वो बढ़िया है उसके बाद में वो सभी चीज़ें जब हो जाती उसके बाद में उन लड़कियों के साथ क्या होता है वो सभी चीज़ें दिखाई हुए वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाई हुई है ये सभी चीज़ें देखते समय आप ज़रूर शौख हो जाओगे डायरेक्टर ने जिस तरह चीज़े को पेश किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया है इससे पहले आपने कश्मीर फाइल फिल्म्स देखी हुई होगी वो फिल्म पिछले साल आई थी उसमें जिस तरह से चीज़ों को सच्चाई को हमारे सामने फैक्ट्स के साथ दिखाने की कोशिश की हुई थी ओरिजिनल जो चीज़ें घटी थी ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश की हुई थी ठीक उसी तरह ये फिल्म भी केरला मैंगलोर इस जैसे शहर में जो ये सभी चीज़ें हो रही है वहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी है वो दिखाने की कोशिश की हुई है किस तरह से लवू जिहाद का एंगल दिखाया हुआ जिस तरह से एक इस्लाम में कन्वर्ट करने का जो एंगल दिखाया हुआ वो सभी चीज़ें डायरेक्टर ने बखूबी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है जो रियल लाइफ इंसिडेंट थे जो रियल एविडेंस थे वो सभी चीज़ें इस फिल्म में ज़रूर दिखाई हुई है जो काफ़ी बढ़िया थी जहाँ पे प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी अच्छी थी कम से कम बजट में सभी चीज़ों को जिस तरह से डेवलप किया हुआ है हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया है वैसे इनिशियल डेज पे इस फिल्म को केरला में और बेंगलोर में शूट करने का फ़ैसला लिया था लेकिन वो थोड़ा मुश्किल था उसको आगे जाके थोड़ी मुसीबत आ रही थी और ये सभी चीज़ों के बीच में इस फिल्म को बाद में जब बनाया गया तब काफ़ी ज़्यादा एक अलग अलग लोकेशन चूज़ किए वहाँ पे इस फिल्म को पूरी तरह से शूट किया गया वैसे इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया है लेकिन कुछ सेक्शन ऑफ लिबरल्स से कुछ ऐसे ऑडियंस है जो वोकिजम वाले ऑडियंस है जो इसमें एजेंडा फालतू का बेफ़ालतू का एजेंडा डालने की कोशिश कर रही है तो वो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो केरला की वो इस फिल्म को दबाने की कोशिश कर रही है वो इसको क्रिटिसाइज़ कर रही है ओवरऑल देखा जाए तो ये फिल्म ऐसा कुछ एजेंडा नहीं है ना तो कोई कुछ चीज़ें इसमें दिखाई हुई ये प्योर रियल इंसिडेंट के ऊपर बनाई गई फिल्म है हाथ जो फिल्म की कहानी है उसको डेवलप करने के लिए चीजों को थोड़ा कनेक्ट किया है अदरवाइज इस फिल्म की जो कहानी है जो घटनाएं दिखाई गई है जिस तरह से इसमें ब्रेन वॉश करते हुए दिखाया हुआ है इससे भी काफ़ी ब्रूटल वे में सभी चीज़ों को किया जाता है ब्रेन वॉश करके जो इस्लाम धर्म में इस लड़कियों को जो बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है उसके बाद में जिस तरह से जो सीरिया में इराक में जो उनके साथ होता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक सीरिया में जिस तरह से इन लड़कियों को धीरे धीरे इनके पास जो चीज़ें करवाई जाती है वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखाए हुए फिल्म की एडिटिंग संजय शर्मा ने की हुई है जिन्होंने अच्छी तरह से फिल्म का एडिटिंग किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट ब्रिजेश रेनवाला और विशाख ज्योति ने किया हुआ जिन्होंने बखूबी इस फिल्म के जो गाने बैकग्राउंड स्कोर है उसमें काफ़ी काम किया हुआ है इस फिल्म की इन सभी चीज़ों को ये सभी टेक्निकल टीम की तरफ से अच्छा सपोर्ट मिला हुआ था 2010-12 के बाद जितने भी जो केस आए हुए उसके ऊपर इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया हुआ है फिलहाल में बताया जा रहा है कि ये सिर्फ इंडिया का इश्यू नहीं है फिल्म में सभी चीज़ें दिखाई गई है वो ये पूरे वर्ल्ड का इश्यू है क्योंकि ये इस्लाम कन्वर्ट वाला जो प्रोपोगेंडा है जो एक चीज़ है वो पूरे दुनिया में घूम रही है इंडिया में भी सिर्फ केरला और कर्नाटक तक, तक ये सीमित नहीं रही है ओवरऑल सभी जगह पे इसको प्रॉपर वे में दिखाने की कोशिश की जा रही है तो ये सभी चीज़ें जो घटनाएँ घट रही है जो सभी चीजें हो रही है इसके पीछे काफ़ी बुरी एक जो एक नीति है जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने के वो काफ़ी एक ख़राब तरीके से उसका यूज़ किया जा रहा है क्योंकि इस्लाम धर्म कन्वर्ट करने के बाद उसमें भी काफ़ी ब्रूटल वे में उनके साथ चीज़ें की जाती है लाहौ जिहाद का जो एंगल है वो सभी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा हद हाँ तक का एक प्रोपोगंडिक आइडिया है जो इस कंट्रीज़ uh, में अलग अलग कंट्रीज़ में यूज़ किया जा रहा है तो उन सभी के चीज़ों के अगेंस्ट खड़ा रहना ज़रूरी है तो ये सभी चीज़ें इस फिल्म में ज़रूर दिखाई हुई है जिस तरह से इस फिल्म में बाद में उन विक्टिम्स के साथ क्या होता है उन सभी चीज़ों के ऊपर भी बातचीत की हुई है किस तरह से बाद में गवर्नमेंट की तरफ से टेक रहता है किस तरह से बाद में उनकी फैमिलीज़ को क्या चीज़ों को सफ़र करना पड़ता है वो लड़कियों को क्या फर करना पड़ता है उन सभी चीज़ों के ऊपर भी बातचीत की हुई फिल्म में अदा शर्मा देखने को मिलेगी जिन्होंने सालिनी उन्नी कृष्णन का रोल प्ले किया हुआ फातिमा बा जो उनका कन्वर्ट होने के बाद का नाम है योगी तबिहानी ने निम का रोल प्ले किया हुआ है सोनिया बालानी ने इस फिल्म में आसिफा का रोल प्ले किया हुआ है सिद्धि इदनानी ने गीतांजलि का रोल प्ले किया हुआ है देवादर्शिनी विजय कृष्णा प्रणय पांचोरी प्रणव मिश्रा ये सभी आर्टिस्ट फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इसके अलावा फिल्म के प्रोड्यूसर इस फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर दिखाई देंगे जिनका नाम है विपुल अमृतलाल लाल साह इस फिल्म के जो आर्टिस्ट है उन्होंने बखूबी अपना काम किया हुआ है अदा शर्मा सालिनी उन्नी कृष्णन के रोल में अपना इम्पिक छोड़ती हुई नजर आती है जिस तरह का उनके फेशियल एक्सप्रेशन थे जो डायलॉग थे जो बॉडी लैंग्वेज थी जिस तरह से वो जो ब्रेन वोस वाले सीन्स थे उसके बाद में उनके साथ जो घटनाएं घटती है उसमें उनका जो काम देखने को मिलता है उनके अपने किरदार के प्रति जो अपरोध देखने को मिलता है वो बढ़िया था इसी तरह जो दूसरी एक्ट्रेसिस थी जो आर्टिस्ट थे उन्होंने भी बखूबी एक रो रियल परफॉर्मेंस दी हुई है डायरेक्टर का यहाँ पे प्रोड्यूसर डायरेक्टर का एक सलामी देना चाहूँगा क्योंकि इतना ब्रूटल वे में जो सच्चाई दिखाई हुई है वो बढ़िया है वैसे कोई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिलहाल तक मैंने नहीं देखा है कि कोई इस तरह की फिल्मों का टेक लेता है तो इस फिल्म में जिस तरह से प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने अपना ओपिनियन शेयर किया हुआ है अपनी जो बातें रखी हुई थी जो ओरिजिनल रियल इंसिडेंट घटे हुए उसके ऊपर जो बातचीत की हुई है वो बढ़िया है उसमें कोई उन्होंने प्रोपोगेंडा एड नहीं किया हुआ है ना तो उन्होंने उसमें कोई ऐसी चीज़ दूसरी ऐसी चीज़ ऐड की हुई है जिसकी वजह से जो ओरिजिनल फेक्ट्स है उसको तोड़ मरोड़ के दिखाने की कोशिश नहीं की हुई सभी चीज़ें सच्चाई और रियलिस्टिक के साथ दिखाई हुई है तो ये सभी चीज़ें जो फिल्म को बेहतर बनाती है और इस फिल्म को भले ए सर्टिफिकेट मिला हो लेकिन मैं कहूँ तो आप कोई फिल्म फैमिली के साथ ज़रूर देखनी चाहिए सभी लड़कियों को भी देखनी चाहिए ओवरऑल इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए हो सके तो अपने आस इसको शेयर करना चाहिए तो ये सभी इंसिडेंट ये फिल्म देखने के बाद लोगों के दिमाग में बैठेगा तो ये सभी चीज़ों के ऊपर एक अच्छा इम्पेक्ट पड़ेगा कि जो ये ब्रेन वॉश हो रहा है तो उन सभी चीज़ों से लड़कियाँ बच सकती है और फ्यूचर भी बेटर हो सकता है तो ये एक अच्छी बनाई गई फिल्म है, अच्छी इंटेंशन के साथ बनाई गई फिल्में और ऑडियंस की तरफ उतना ही सपोर्ट मिल मर रह, मिल रहा है पाँच मई 2023 को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तो उससे पहले फिल्म का टीज़र ट्रेलर आउट हुआ था उसको भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था सपोर्ट मिला था फिल्म को जब रिलीज़ किया गया फिल्म को एक अच्छे खासे सोर्स दिलवाए गए और फिल्म को बेहतर रिलीज़ मिली जहाँ पर ऑडियंस भी इस फिल्म को जाके देख रही है वैसे फिलहाल में इस समय में जिस तरह की ऑडियंस की एक थॉट प्रोसेस है उस हिसाब से फिल्म अगर कोई नॉर्मल फिल्म रहती तो ऑडियंस देखने नहीं आती लेकिन इस फिल्म के लिए सभी ऑडियंस ने टाइम निकाला हुआ है सभी लोग देखने जा रही काफी पॉजिटिव टॉक मिल रहा है फिल्म के प्रति और फिल्म ने एक अच्छी अवेयरनेस क्रिएट की हुई वो सभी चीज़ों के ऊपर बातचीत हो रही है तो आपको ये फिल्म फिलहाल में थिएटर में जाके जरूर देखनी चाहिए एक थिएटर में जाके देखने वाली फिल्म में साथ ही में सभी को ये शेयर भी करना चाहिए चीज़ें इस फिल्म को इलीगल तरीके से नहीं देखना चाहिए ना तो कोई पायरेसी प्रिंट्स देखने चाहिए इस फिल्म कोई डायरेक्ट ओरिजिनली आपको थिएटर में देखना चाहिए अदरवाइज आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आने का वेट कर सकते हो तो गाइज इस फिल्म को मिस नहीं करना चाहिए ज़रूर देखना चाहिए फिल्म में एक अच्छा मैसेज है मैसेज है कोई प्रोपोगेंडा नहीं है और रियलिटी को दिखाने की कोशिश किए हुए है तो ये सभी चीज़ें फिल्म के पॉजिटिव साइड है जिसकी वजह से फिल्म को जरूर देखना चाहिए एक अच्छी खासी फिल्म है जिससे एक अच्छा मैसेज मिलता है और साथ ही में जो घटनाएं घटी है उसके बारे में आप अवेयर भी हो जाओगे तो अब इस फिल्म को अब ओ टी टी सेटेलाइट के ऊपर कैसे देख सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें तो फिलहाल में फिल्म थिएटर में चल रही है आने वाले कुछ महीनों में इस फिल्म को बाद में ओ टी टी पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म का नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है वहीं पर आने वाले उसके कुछ समय के बाद इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल के ऊपर एक अलग वर्जन क्रिएट किया जाएगा क्योंकि इसको ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो सैटेलाइट के लिए यू ए सर्टिफिकेट क्रिएट करवा के इस फिल्म को रिलीज़ करवाया जाएगा टेलीविजन के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के बाद ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर भी रिलीज करवाया जाएगा द केरला स्टोरी तो इस फिल्म को काफ़ी लंबे समय से बनाने की कोशिश चल रही थी जहाँ पे फाइनली 2023 में इस फिल्म को पूरी तरह से तैयार किया हुआ था वैसे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसकी रीज़न है वैसे न्यूडिटी ऐसा कुछ दिखाया नहीं है लेकिन जिस तरह का फिल्म का जो टॉपिक है उसमें कुछ रेप के केस दिखाए हुए तो उन सभी चीज़ों को इसमें बताया हुआ है तो इस वजह से ये सभी चीजें जो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी और यही सब रीज़न के चलते ए सर्टिफिकेट फिल्म को मिला हुआ है द केरला स्टोरी फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सुदीप तो सेन ने स्टोरी आइडिया उनका ही था इसके अलावा जो राइटिंग है उसमें काम किया हुआ है सूर्य पाल सिंह विपुल अमृतलाल शाह और सुदीप तो सेन ने विपुल अमृतलाल शाह ने ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जहां पे सनसाइन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है म्यूज़िक के राइट्स ही उन्होंने अपने ही पास रखे हुए थे ये एक 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है जहाँ पे ये एक ओरिजिनल जो कहानी घटना घटी है वो घटती रहती है उसके ऊपर बेस्ड है तो इस फिल्म में काफ़ी सारे अलग अलग जो टॉपिक है उसके ऊपर फोकस किया हुआ है जैसे कि इसमें लव जिहाद के ऊपर फोकस किया हुआ था जिस तरह से इस्लाम में कन्वर्ट करते हैं लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उन सभी चीज़ों के ऊपर भी फोकस किया हुआ है तो वो सभी चीज़ें केरला और कर्नाट में बेंगलोर में काफ़ी ज्यादा होती है तो उन सभी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है वैसे इस फिल्म को जब बनाया गया तो बॉलीवुड बो, की तरफ से कोई ऑफिशियली इस फिल्म को वैसे सपोर्ट नहीं मिला हुआ है लेकिन इस फिल्म को स्टैंड अलोन तरीके से जैसे कि इस फिल्म को एक पब्लिक डोमेन में काफ़ी ज्यादा सपोर्ट, जा, सपोर्ट मिला हुआ है पब्लिक की तरफ से ज्यादा सपोर्ट मिला हुआ है वैसे फिल्म को रिलीज़ किया गया तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल हुआ है जो मैं वो समोसा क्रिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ जेन्यून ऑडियंस जेन्यून पब्लिक की बात कर रहा हूँ सभी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेज से लेकर टेक्निकली इस फिल्म को वेल मेड तरीके से बनाया हुआ अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है हाँ फिल्म का बजट कम था तो उस हिसाब से चीज़ों को इधर उधर थोड़ा बहुत आपको इग्नोर करना पड़ेगा लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी खासी तरीके से बनी गई फिल्म है जो मैसेज करने किया हुआ जिस तरह से चीजों को डायरेक्टर ने दिखाया हुआ था वो बढ़िया था जहाँ पे जो स्टोरी लिखी हुई थी जिस तरह से चार लड़कियों की कहानी दिखाई हुई थी उसमें जो सभी चीजें डेवलप की हुई थी किरदारों के अंदर जो एक उन्होंने देख क्रिएट की हुई थी साथ ही में जो हकीकत में जो घटनाएं घटी थी उन सभी चीजों के ऊपर जिस तरह से फोकस किया हुआ था अफग़ान जेल वाले सीक्वेंस थे इसके अलावा इंडिया में जो मलयाली लड़कियों को जिस तरह से अलग अलग तरीके से हिंदू लड़कियों को और क्रिश्चियन अलग अलग कम्युनिटी की लड़कियों को का मुस्लिम में कन्वर्ट करते इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करवा के जो सभी चीज़ें फिल्म में ब्रेन वॉश किस तरह से करते उसमें जो एक डिटेलिंग के साथ चीज़ें दिखाई वो बढ़िया है उसके बाद में वो सभी चीज़ें जब हो जाती उसके बाद में उन लड़कियों के साथ क्या होता है वो सभी चीज़ें दिखाई हुए वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाई हुई है ये सभी चीज़ें देखते समय आप ज़रूर शौख हो जाओगे डायरेक्टर ने जिस तरह चीज़े को पेश किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया है इससे पहले आपने कश्मीर फाइल फिल्म्स देखी हुई होगी वो फिल्म पिछले साल आई थी उसमें जिस तरह से चीज़ों को सच्चाई को हमारे सामने फैक्ट्स के साथ दिखाने की कोशिश की हुई थी ओरिजिनल जो चीज़ें घटी थी ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश की हुई थी ठीक उसी तरह ये फिल्म भी केरला मैंगलोर इस जैसे शहर में जो ये सभी चीज़ें हो रही है वहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी है वो दिखाने की कोशिश की हुई है किस तरह से लवू जिहाद का एंगल दिखाया हुआ जिस तरह से एक इस्लाम में कन्वर्ट करने का जो एंगल दिखाया वो सभी चीज़ें डायरेक्टर ने बखूबी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है जो रियल लाइफ इंसिडेंट थे जो रियल एविडेंस थे वो सभी चीज़ें इस फिल्म में ज़रूर दिखाई हुई है जो काफ़ी बढ़िया थी जहाँ पे प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी अच्छी थी कम से कम बजट में सभी चीज़ों को जिस तरह से डेवलप किया हुआ है हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया है वैसे इनिशियल डेज पे इस फिल्म को केरला में और बेंगलोर में शूट करने का फ़ैसला लिया था लेकिन वो थोड़ा मुश्किल था उसको आगे जाके थोड़ी मुसीबत आ रही थी और ये सभी चीज़ों के बीच में इस फिल्म को बाद में जब बनाया गया तब काफ़ी ज़्यादा एक अलग अलग लोकेशन चूज़ किए वहाँ पे इस फिल्म को पूरी तरह से शूट किया गया वैसे इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया है लेकिन कुछ सेक्शन ऑफ लिबरल्स से कुछ ऐसे ऑडियंस है जो वोकिजम वाले ऑडियंस है जो इसमें एजेंडा फालतू का बेफ़ालतू का एजेंडा डालने की कोशिश कर रही है तो वो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो केरला की वो इस फिल्म को दबाने की कोशिश कर रही है वो इसको क्रिटिसाइज़ कर रही है ओवरऑल देखा जाए तो ये फिल्म ऐसा कुछ एजेंडा नहीं है ना तो कोई कुछ चीज़ें इसमें दिखाई हुई ये प्योर रियल इंसिडेंट के ऊपर बनाई गई फिल्म है हाथ जो फिल्म की कहानी है उसको डेवलप करने के लिए चीजों को थोड़ा कनेक्ट किया है अदरवाइज इस फिल्म की जो कहानी है जो घटनाएं दिखाई गई है जिस तरह से इसमें ब्रेन वॉश करते हुए दिखाया हुआ है इससे भी काफ़ी ब्रूटल वे में सभी चीज़ों को किया जाता है ब्रेन वॉश करके जो इस्लाम धर्म में इस लड़कियों को जो बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है उसके बाद में जिस तरह से जो सीरिया में इराक में जो उनके साथ होता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक सीरिया में जिस तरह से इन लड़कियों को धीरे धीरे इनके पास जो चीज़ें करवाई जाती है वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखाए हुए फिल्म की एडिटिंग संजय शर्मा ने की हुई है जिन्होंने अच्छी तरह से फिल्म का एडिटिंग किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट ब्रिजेश रेनवाला और विशाख ज्योति ने किया हुआ जिन्होंने बखूबी इस फिल्म के जो गाने बैकग्राउंड स्कोर है उसमें काफ़ी काम किया हुआ है इस फिल्म की इन सभी चीज़ों को ये सभी टेक्निकल टीम की तरफ से अच्छा सपोर्ट मिला हुआ था 2010-12 के बाद जितने भी जो केस आए हुए उसके ऊपर इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया हुआ है फिलहाल में बताया जा रहा है कि ये सिर्फ इंडिया का इश्यू नहीं है फिल्म में सभी चीज़ें दिखाई गई है वो ये पूरे वर्ल्ड का इश्यू है क्योंकि ये इस्लाम कन्वर्ट वाला जो प्रोपोगेंडा है जो एक चीज़ है वो पूरे दुनिया में घूम रही है इंडिया में भी सिर्फ केरला और कर्नाटक तक, तक ये सीमित नहीं रही है ओवरऑल सभी जगह पे इसको प्रॉपर वे में दिखाने की कोशिश की जा रही है तो ये सभी चीज़ें जो घटनाएँ घट रही है जो सभी चीजें हो रही है इसके पीछे काफ़ी बुरी एक जो एक नीति है जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने के वो काफ़ी एक ख़राब तरीके से उसका यूज़ किया जा रहा है क्योंकि इस्लाम धर्म कन्वर्ट करने के बाद उसमें भी काफ़ी ब्रूटल वे में उनके साथ चीज़ें की जाती है लाहौ जिहाद का जो एंगल है वो सभी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा हद हाँ तक का एक प्रोपोगंड आइडिया है जो इस कंट्रीज़ में अलग अलग कंट्रीज़ में यूज़ किया जा रहा है तो उन सभी के चीज़ों के अगेंस्ट खड़ा रहना ज़रूरी है तो ये सभी चीज़ें इस फिल्म में ज़रूर दिखाई हुई है जिस तरह से इस फिल्म में बाद में उन विक्टिम्स के साथ क्या होता है उन सभी चीज़ों के ऊपर भी बातचीत की हुई है किस तरह से बाद में गवर्नमेंट की तरफ से टेक रहता है किस तरह से बाद में उनकी फैमिलीज़ को क्या चीज़ों को सफ़र करना पड़ता है वो लड़कियों को क्या फर करना पड़ता है उन सभी चीज़ों के ऊपर भी बातचीत की हुई फिल्म में अदा शर्मा देखने को मिलेगी जिन्होंने सालिनी उन्नी कृष्णन का रोल प्ले किया हुआ फातिमा बा जो उनका कन्वर्ट होने के बाद का नाम है योगी तब ने निम का रोल प्ले किया हुआ है सोनिया बालानी ने इस फिल्म में आसिफा का रोल प्ले किया हुआ है सिद्धि इदनानी ने गीतांजलि का रोल प्ले किया हुआ है देवादर्शिनी विजय कृष्णा प्रणय पांचोरी प्रणव मिश्रा ये सभी आर्टिस्ट फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इसके अलावा फिल्म के प्रोड्यूसर इस फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर दिखाई देंगे जिनका नाम है विपुल अमृतलाल लाल साह इस फिल्म के जो आर्टिस्ट है उन्होंने बखूबी अपना काम किया हुआ है अदा शर्मा सालिनी उन्नी कृष्णन के रोल में अपना इम्पिक छोड़ती हुई नजर आती है जिस तरह का उनके फेशियल एक्सप्रेशन थे जो डायलॉग थे जो बॉडी लैंग्वेज थी जिस तरह से वो जो ब्रेन वोस वाले सीन्स थे उसके बाद में उनके साथ जो घटनाएं घटती है उसमें उनका जो काम देखने को मिलता है उनके अपने किरदार के प्रति जो अपरोध देखने को मिलता है वो बढ़िया था इसी तरह जो दूसरी एक्ट्रेसिस थी जो आर्टिस्ट थे उन्होंने भी बखूबी एक रो रियल परफॉर्मेंस दी हुई है डायरेक्टर का यहाँ पे प्रोड्यूसर डायरेक्टर का एक सलामी देना चाहूँगा क्योंकि इतना ब्रूटल वे में जो सच्चाई दिखाई हुई है वो बढ़िया है वैसे कोई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिलहाल तक मैंने नहीं देखा है कि कोई इस तरह की फिल्मों का टेक लेता है तो इस फिल्म में जिस तरह से प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने अपना ओपिनियन शेयर किया हुआ है अपनी जो बातें रखी हुई थी जो ओरिजिनल रियल इंसिडेंट घटे हुए उसके ऊपर जो बातचीत की हुई है वो बढ़िया है उसमें कोई उन्होंने प्रोपोगेंडा एड नहीं किया हुआ है ना तो उन्होंने उसमें कोई ऐसी चीज़ दूसरी ऐसी चीज़ ऐड की हुई है जिसकी वजह से जो ओरिजिनल फेक्ट्स है उसको तोड़ मरोड़ के दिखाने की कोशिश नहीं की हुई सभी चीज़ें सच्चाई और रियलिस्टिक के साथ दिखाई हुई है तो ये सभी चीज़ें जो फिल्म को बेहतर बनाती है और इस फिल्म को भले ए सर्टिफिकेट मिला हो लेकिन मैं कहूँ तो आप कोई फिल्म फैमिली के साथ जरूर देखनी चाहिए सभी लड़कियों को भी देखनी चाहिए ओवरऑल इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए हो सके तो अपने आस इसको शेयर करना चाहिए तो ये सभी इंसिडेंट ये फिल्म देखने के बाद लोगों के दिमाग में बैठेगा तो ये सभी चीज़ों के ऊपर एक अच्छा इम्पेक्ट पड़ेगा कि जो ये ब्रेन वॉश हो रहा है तो उन सभी चीज़ों से लड़कियाँ बच सकती है और फ्यूचर भी बेटर हो सकता है तो ये एक अच्छी बनाई गई फिल्म अच्छी इंटेंशन के साथ बनाई गई फिल्में और ऑडियंस की तरफ उतना ही सपोर्ट मर रह, मिल रहा है पाँच मई 2023 को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तो उससे पहले फिल्म का टीज़र ट्रेलर आउट हुआ था उसको भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था सपोर्ट मिला था फिल्म को जब रिलीज़ किया गया फिल्म को एक अच्छे खासे सोर्स दिलवाए गए और फिल्म को बेहतर रिलीज़ मिले जहाँ पर ऑडियंस भी इस फिल्म को जाके देख रही है वैसे फिलहाल में इस समय में जिस तरह की ऑडियंस की एक थॉट प्रोसेस है उस हिसाब से फिल्म अगर कोई नॉर्मल फिल्म रहती तो ऑडियंस देखने नहीं आती लेकिन इस फिल्म के लिए सभी ऑडियंस ने टाइम निकाला हुआ है सभी लोग देखने जा रही काफी पॉजिटिव टॉक मिल रहा है फिल्म के प्रति और फिल्म ने एक अच्छी अवेयरनेस क्रिएट की हुई वो सभी चीज़ों के ऊपर बातचीत हो रही है तो आपको ये फिल्म फिलहाल में थिएटर में जाके जरूर देखनी चाहिए एक थिएटर में जाके देखने वाली फिल्म में साथ ही में सभी को ये शेयर भी करना चाहिए चीज़ें इस फिल्म को इलीगल तरीके से नहीं देखना चाहिए ना तो कोई पायरेसी प्रिंट्स देखने चाहिए इस फिल्म कोई डायरेक्ट ओरिजिनली आपको थिएटर में देखना चाहिए अदरवाइज आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आने का वेट कर सकते हो तो गाइज इस फिल्म को मिस नहीं करना चाहिए ज़रूर देखना चाहिए फिल्म में एक अच्छा मैसेज है मैसेज है कोई प्रोपोगेंडा नहीं है और रियलिटी को दिखाने की कोशिश किए हुए है तो ये सभी चीज़ें फिल्म की पॉजिटिव साइड है जिसकी वजह से फिल्म को जरूर देखना चाहिए एक अच्छी खासी फिल्म है जिससे एक अच्छा मैसेज मिलता है और साथ ही में जो घटनाएँ घटी है उसके बारे में आप अवेयर भी हो जाओगे तो अब इस फिल्म को अब ओ टी टी सेटेलाइट के ऊपर कैसे देख सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें तो फिलहाल में फिल्म थिएटर में चल रही है आने वाले कुछ महीनों में इस फिल्म को बाद में ओ टी टी पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म का नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है वहीं पे आने वाले उसके कुछ समय के बाद इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल के ऊपर एक अलग वर्जन क्रिएट किया जाएगा क्योंकि इसको ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो सैटेलाइट के लिए यू ए सर्टिफिकेट क्रिएट करवा के इस फिल्म को रिलीज़ करवाया जाएगा टेलीविजन के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के बाद ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर भी रिलीज करवाया जाएगा द केरला स्टोरी तो इस फिल्म को काफ़ी लंबे समय से बनाने की कोशिश चल रही थी जहाँ पे फाइनली 2023 में इस फिल्म को पूरी तरह से तैयार किया हुआ था वैसे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसकी रीज़न है वैसे न्यूडिटी ऐसा कुछ दिखाया नहीं है लेकिन जिस तरह का फिल्म का जो टॉपिक है उसमें कुछ रेप के केस दिखाए हुए तो उन सभी चीज़ों को इसमें बताया हुआ है तो इस वजह से ये सभी चीजें जो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी और यही सब रीज़न के चलते ए सर्टिफिकेट फिल्म को मिला हुआ है द केरला स्टोरी फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सुदीप तो सेन ने स्टोरी आइडिया उनका ही था इसके अलावा जो राइटिंग है उसमें काम किया हुआ है सूर्य पाल सिंह विपुल अमृतलाल शाह और सुदीप तो सेन ने विपुल अमृतलाल शाह ने ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जहां पे सनसाइन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है म्यूज़िक के राइट्स ही उन्होंने अपने ही पास रखे हुए थे ये एक 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है जहाँ पे ये एक ओरिजिनल जो कहानी घटना घटी है वो घटती रहती है उसके ऊपर बेस्ड है तो इस फिल्म में काफ़ी सारे अलग अलग जो टॉपिक है उसके ऊपर फोकस किया हुआ है जैसे कि इसमें लव जिहाद के ऊपर फोकस किया हुआ था जिस तरह से इस्लाम में कन्वर्ट करते हैं लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उन सभी चीज़ों के ऊपर भी फोकस किया हुआ है तो वो सभी चीज़ें केरला और कर्नाट टक में बेंगलोर में काफ़ी ज्यादा होती है तो उन सभी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है वैसे इस फिल्म को जब बनाया गया तो बॉलीवुड बो, की तरफ से कोई ऑफिशियली इस फिल्म को वैसे सपोर्ट नहीं मिला हुआ है लेकिन इस फिल्म को स्टैंड अलोन तरीके से जैसे कि इस फिल्म को एक पब्लिक डोमेन में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट, जा, सपोर्ट मिला हुआ है पब्लिक की तरफ से ज्यादा सपोर्ट मिला हुआ है वैसे फिल्म को रिलीज़ किया गया तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल हुआ है जो मैं वो समोसा क्रिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ जेन्यून ऑडियंस जेन्यून पब्लिक की बात कर रहा हूँ सभी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेज से लेकर टेक्निकली इस फिल्म को वेल मेड तरीके से बनाया हुआ अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है हाँ फिल्म का बजट कम था तो उस हिसाब से चीज़ों को इधर उधर थोड़ा बहुत आपको इग्नोर करना पड़ेगा लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी खासी तरीके से बनी गई फिल्म है जो मैसेज करने किया हुआ जिस तरह से चीजों को डायरेक्टर ने दिखाया हुआ था वो बढ़िया था जहाँ पे जो स्टोरी लिखी हुई थी जिस तरह से चार लड़कियों की कहानी दिखाई हुई थी उसमें जो सभी चीजें डेवलप की हुई थी किरदारों के अंदर जो एक उन्होंने देख क्रिएट की हुई थी साथ ही में जो हकीकत में जो घटनाएं घटी थी उन सभी चीजों के ऊपर जिस तरह से फोकस किया हुआ था अफग़ान जेल वाले सीक्वेंस थे इसके अलावा इंडिया में जो मलयाली लड़कियों को जिस तरह से अलग अलग तरीके से हिंदू लड़कियों को और क्रिश्चियन अलग अलग कम्युनिटी की लड़कियों को का मुस्लिम में कन्वर्ट करते इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करवा के जो सभी चीज़ें फिल्म में ब्रेन वॉश किस तरह से करते उसमें जो एक डिटेलिंग के साथ चीजें दिखाई वो बढ़िया है उसके बाद में वो सभी चीज़ें जब हो जाती उसके बाद में उन लड़कियों के साथ क्या होता है वो सभी चीज़ें दिखाई हुए वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाई हुई है ये सभी चीज़ें देखते समय आप ज़रूर शौख हो जाओगे डायरेक्टर ने जिस तरह चीज़े को पेश किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया है इससे पहले आपने कश्मीर फाइल फिल्म्स देखी हुई होगी वो फिल्म पिछले साल आई थी उसमें जिस तरह से चीज़ों को सच्चाई को हमारे सामने फैक्ट्स के साथ दिखाने की कोशिश की हुई थी ओरिजिनल जो चीज़ें घटी थी ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश की हुई थी ठीक उसी तरह ये फिल्म भी केरला मैंगलोर इस जैसे शहर में जो ये सभी चीज़ें हो रही है वहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी है वो दिखाने की कोशिश की हुई है किस तरह से लवू जिहाद का एंगल दिखाया हुआ जिस तरह से एक इस्लाम में कन्वर्ट करने का जो एंगल दिखाया हुआ वो सभी चीज़ें डायरेक्टर ने बखूबी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है जो रियल लाइफ इंसिडेंट थे जो रियल एविडेंस थे वो सभी चीज़ें इस फिल्म में ज़रूर दिखाई हुई है जो काफ़ी बढ़िया थी जहाँ पे प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी अच्छी थी कम से कम बजट में सभी चीज़ों को जिस तरह से डेवलप किया हुआ है हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया है वैसे इनिशियल डेज पे इस फिल्म को केरला में और बेंगलोर में शूट करने का फ़ैसला लिया था लेकिन वो थोड़ा मुश्किल था उसको आगे जाके थोड़ी मुसीबत आ रही थी और ये सभी चीज़ों के बीच में इस फिल्म को बाद में जब बनाया गया तब काफ़ी ज़्यादा एक अलग अलग लोकेशन चूज़ किए वहाँ पे इस फिल्म को पूरी तरह से शूट किया गया वैसे इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया है लेकिन कुछ सेक्शन ऑफ लिबरल्स से कुछ ऐसे ऑडियंस है जो वोकिजम वाले ऑडियंस है जो इसमें एजेंडा फालतू का बेफ़ालतू का एजेंडा डालने की कोशिश कर रही है तो वो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो केरला की वो इस फिल्म को दबाने की कोशिश कर रही है वो इसको क्रिटिसाइज़ कर रही है ओवरऑल देखा जाए तो ये फिल्म ऐसा कुछ एजेंडा नहीं है ना तो कोई कुछ चीज़ें इसमें दिखाई हुई ये प्योर रियल इंसिडेंट के ऊपर बनाई गई फिल्म है हाथ जो फिल्म की कहानी है उसको डेवलप करने के लिए चीजों को थोड़ा कनेक्ट किया है अदरवाइज इस फिल्म की जो कहानी है जो घटनाएं दिखाई गई है जिस तरह से इसमें ब्रेन वॉश करते हुए दिखाया हुआ है इससे भी काफ़ी ब्रूटल वे में सभी चीज़ों को किया जाता है ब्रेन वॉश करके जो इस्लाम धर्म में इस लड़कियों को जो बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है उसके बाद में जिस तरह से जो सीरिया में इराक में जो उनके साथ होता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक सीरिया में जिस तरह से इन लड़कियों को धीरे धीरे इनके पास जो चीज़ें करवाई जाती है वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखाए हुए फिल्म की एडिटिंग संजय शर्मा ने की हुई है जिन्होंने अच्छी तरह से फिल्म का एडिटिंग किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट ब्रिजेश रेनवाला और विशाख ज्योति ने किया हुआ जिन्होंने बखूबी इस फिल्म के जो गाने बैकग्राउंड स्कोर है उसमें काफ़ी काम किया हुआ है इस फिल्म की इन सभी चीज़ों को ये सभी टेक्निकल टीम की तरफ से अच्छा सपोर्ट मिला हुआ था 2010-12 के बाद जितने भी जो केस आए हुए उसके ऊपर इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया हुआ है फिलहाल में बताया जा रहा है कि ये सिर्फ इंडिया का इश्यू नहीं है फिल्म में सभी चीज़ें दिखाई गई है वो ये पूरे वर्ल्ड का इश्यू है क्योंकि ये इस्लाम कन्वर्ट वाला जो प्रोपोगंड है जो एक चीज़ है वो पूरे दुनिया में घूम रही है इंडिया में भी सिर्फ केरला और कर्नाटक तक, तक ये सीमित नहीं रही है ओवरऑल सभी जगह पे इसको प्रॉपर वे में दिखाने की कोशिश की जा रही है तो ये सभी चीज़ें जो घटनाएँ घट रही है जो सभी चीज़ें हो रही है इसके पीछे काफ़ी बुरी एक जो एक नीति है जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने के वो काफ़ी एक ख़राब तरीके से उसका यूज़ किया जा रहा है क्योंकि इस्लाम धर्म कन्वर्ट करने के बाद उसमें भी काफ़ी ब्रूटल वे में उनके साथ चीज़ें की जाती है लाहौ जिहाद का जो एंगल है वो सभी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा हद हाँ तक का एक प्रोपोगंड आइडिया है जो इस कंट्रीज़ uh, में अलग अलग कंट्रीज़ में यूज़ किया जा रहा है तो उन सभी के चीज़ों के अगेंस्ट खड़ा रहना ज़रूरी है तो ये सभी चीज़ें इस फिल्म में ज़रूर दिखाई हुई है जिस तरह से इस फिल्म में बाद में उन विक्टिम्स के साथ क्या होता है उन सभी चीज़ों के ऊपर भी बातचीत की हुई है किस तरह से बाद में गवर्नमेंट की तरफ से टेक रहता है किस तरह से बाद में उनकी फैमिलीज़ को क्या सी चीज़ों को सफ़र करना पड़ता है वो लड़कियों को क्या फर करना पड़ता है उन सभी चीज़ों के ऊपर भी बातचीत की हुई फिल्म में अदा शर्मा देखने को मिलेगी जिन्होंने सालिनी उन्नी कृष्णन का रोल प्ले किया हुआ फातिमा बा जो उनका कन्वर्ट होने के बाद का नाम है योगी तबिहानी ने निम का रोल प्ले किया हुआ है सोनिया बालानी ने, ने इस फिल्म में आसिफा का रोल प्ले किया हुआ है सिद्धि इदनानी ने गीतांजलि का रोल प्ले किया हुआ है देवादर्शिनी विजय कृष्णा प्रणय पांचोरी प्रणव मिश्रा ये सभी आर्टिस्ट फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इसके अलावा फिल्म के प्रोड्यूसर इस फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर दिखाई देंगे जिनका नाम है विपुल अमृतलाल लाल साह इस फिल्म के जो आर्टिस्ट है उन्होंने बखूबी अपना काम किया हुआ है अदा शर्मा सालिनी उन्नी कृष्णन के रोल में अपना इम्पिक छोड़ती हुई नजर आती है जिस तरह का उनके फेशियल एक्सप्रेशन थे जो डायलॉग थे जो बॉडी लैंग्वेज थी जिस तरह से वो जो ब्रेन वोस वाले सीन्स थे उसके बाद में उनके साथ जो घटनाएं घटती है उसमें उनका जो काम देखने को मिलता है उनके अपने किरदार के प्रति जो अपरोध देखने को मिलता है वो बढ़िया था इसी तरह जो दूसरी एक्ट्रेसिस थी जो आर्टिस्ट थे उन्होंने भी बखूबी एक रो रियल परफॉर्मेंस दी हुई है डायरेक्टर का यहाँ पे प्रोड्यूसर डायरेक्टर का एक सलामी देना चाहूँगा क्योंकि इतना ब्रूटल वे में जो सच्चाई दिखाई हुई है वो बढ़िया है वैसे कोई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिलहाल तक मैंने नहीं देखा है कि कोई इस तरह की फिल्मों का टेक लेता है तो इस फिल्म में जिस तरह से प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने अपना ओपिनियन शेयर किया हुआ है अपनी जो बातें रखी हुई थी जो ओरिजिनल रियल इंसिडेंट घटे हुए उसके ऊपर जो बातचीत की हुई है वो बढ़िया है उसमें कोई उन्होंने प्रोपोगेंडा एड नहीं किया हुआ है ना तो उन्होंने उसमें कोई ऐसी चीज़ दूसरी ऐसी चीज़ ऐड की हुई है जिसकी वजह से जो ओरिजिनल फेक्ट्स है उसको तोड़ मरोड़ के दिखाने की कोशिश नहीं की हुई सभी चीज़ें सच्चाई और रियलिस्टिक के साथ दिखाई हुई है तो ये सभी चीज़ें जो फिल्म को बेहतर बनाती है और इस फिल्म को भले ए सर्टिफिकेट मिला हो लेकिन मैं कहूँ तो आप कोई फिल्म फैमिली के साथ ज़रूर देखनी चाहिए सभी लड़कियों को भी देखनी चाहिए ओवरऑल इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए हो सके तो अपने आस इसको शेयर करना चाहिए तो ये सभी इंसिडेंट ये फिल्म देखने के बाद लोगों के दिमाग में बैठेगा तो ये सभी चीज़ों के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो ये ब्रेन वॉश हो रहा है तो उन सभी चीज़ों से लड़कियाँ बच सकती है और फ्यूचर भी बेटर हो सकता है तो ये एक अच्छी बनाई गई फिल्म है, अच्छी इंटेंशन के साथ बनाई गई फिल्में और ऑडियंस की तरफ उतना ही सपोर्ट मर रह, मिल रहा है पाँच मई 2023 को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तो उससे पहले फिल्म का टीज़र ट्रेलर आउट हुआ था उसको भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था सपोर्ट मिला था फिल्म को जब रिलीज़ किया गया फिल्म को एक अच्छे खासे सोर्स दिलवाए गए और फिल्म को बेहतर रिलीज़ मिले जहाँ पर ऑडियंस भी इस फिल्म को जाके देख रही है वैसे फिलहाल में इस समय में जिस तरह की ऑडियंस की एक थॉट प्रोसेस है उस हिसाब से फिल्म अगर कोई नॉर्मल फिल्म रहती तो ऑडियंस देखने नहीं आती लेकिन इस फिल्म के लिए सभी ऑडियंस ने टाइम निकाला हुआ है सभी लोग देखने जा रही काफी पॉजिटिव टॉक मिल रहा है फिल्म के प्रति और फिल्म ने एक अच्छी अवेयरनेस क्रिएट की हुई वो सभी चीज़ों के ऊपर बातचीत हो रही है तो आपको ये फिल्म फिलहाल में थिएटर में जाके जरूर देखनी चाहिए एक थिएटर में जाके देखने वाली फिल्म में साथ ही में सभी को ये शेयर भी करना चाहिए चीज़ें इस फिल्म को इलीगल तरीके से नहीं देखना चाहिए ना तो कोई पायरेसी प्रिंट्स देखने चाहिए इस फिल्म कोई डायरेक्ट ओरिजिनली आपको थिएटर में देखना चाहिए अदरवाइज आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आने का वेट कर सकते हो तो गाइज इस फिल्म को मिस नहीं करना चाहिए ज़रूर देखना चाहिए फिल्म में एक अच्छा मैसेज है मैसेज है कोई प्रोपोगेंडा नहीं है और रियलिटी को दिखाने की कोशिश किए हुए है तो ये सभी चीज़ें फिल्म की पॉजिटिव साइड है जिसकी वजह से फिल्म को जरूर देखना चाहिए एक अच्छी खासी फिल्म है जिससे एक अच्छा मैसेज मिलता है और साथ ही में जो घटनाएं घटी है उसके बारे में आप अवेयर भी हो जाओगे तो अब इस फिल्म को अब ओ टी टी सेटेलाइट के ऊपर कैसे देख सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें तो फिलहाल में फिल्म थिएटर में चल रही है आने वाले कुछ महीनों में इस फिल्म को बाद में ओ टी टी पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म का नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है वहीं पर आने वाले उसके कुछ समय के बाद इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल के ऊपर एक अलग वर्जन क्रिएट किया जाएगा क्योंकि इसको ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो सैटेलाइट के लिए यू ए सर्टिफिकेट क्रिएट करवा के इस फिल्म को रिलीज़ करवाया जाएगा टेलीविजन के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के बाद ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर भी रिलीज करवाया जाएगा द केरला स्टोरी तो इस फिल्म को काफ़ी लंबे समय से बनाने की कोशिश चल रही थी जहाँ पे फाइनली 2023 में इस फिल्म को पूरी तरह से तैयार किया हुआ था वैसे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसकी रीज़न है वैसे न्यूडिटी ऐसा कुछ दिखाया नहीं है लेकिन जिस तरह का फिल्म का जो टॉपिक है उसमें कुछ रेप के केस दिखाए हुए तो उन सभी चीज़ों को इसमें बताया हुआ है तो इस वजह से ये सभी चीजें जो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी और यही सब रीज़न के चलते ए सर्टिफिकेट फिल्म को मिला हुआ है द केरला स्टोरी फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सुदीप तो सेन ने स्टोरी आइडिया उनका ही था इसके अलावा जो राइटिंग है उसमें काम किया हुआ है सूर्य पाल सिंह विपुल अमृतलाल शाह और सुदीप तो सेन ने विपुल अमृतलाल शाह ने ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जहां पे सनसाइन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है म्यूज़िक के राइट्स ही उन्होंने अपने ही पास रखे हुए थे ये एक 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है जहाँ पे ये एक ओरिजिनल जो कहानी घटना घटी है वो घटती रहती है उसके ऊपर बेस्ड है तो इस फिल्म में काफ़ी सारे अलग अलग जो टॉपिक है उसके ऊपर फोकस किया हुआ है जैसे कि इसमें लव जिहाद के ऊपर फोकस किया हुआ था जिस तरह से इस्लाम में कन्वर्ट करते हैं लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उन सभी चीज़ों के ऊपर भी फोकस किया हुआ है तो वो सभी चीज़ें केरला और कर्नाट टक में बेंगलोर में, में काफ़ी ज्यादा होती है तो उन सभी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है वैसे इस फिल्म को जब बनाया गया तो बॉलीवुड बो, की तरफ से कोई ऑफिशियली इस फिल्म को वैसे सपोर्ट नहीं मिला हुआ है लेकिन इस फिल्म को स्टैंड अलोन तरीके से जैसे कि इस फिल्म को एक पब्लिक डोमेन में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट, जा, सपोर्ट मिला हुआ है पब्लिक की तरफ से ज़्यादा सपोर्ट मिला हुआ है वैसे फिल्म को रिलीज़ किया गया तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल हुआ है जो मैं वो समोसा क्रिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ जेन्यून ऑडियंस जेन्यून पब्लिक की बात कर रहा हूँ सभी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेज से लेकर टेक्निकली इस फिल्म को वेल मेड तरीके से बनाया हुआ अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है हाँ फिल्म का बजट कम था तो उस हिसाब से चीज़ों को इधर उधर थोड़ा बहुत आपको इग्नोर करना पड़ेगा लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी खासी तरीके से बनी गई फिल्म है जो मैसेज करने किया हुआ जिस तरह से चीजों को डायरेक्टर ने दिखाया हुआ था वो बढ़िया था जहाँ पे जो स्टोरी लिखी हुई थी जिस तरह से चार लड़कियों की कहानी दिखाई हुई थी उसमें जो सभी चीजें डेवलप की हुई थी किरदारों के अंदर जो एक उन्होंने देख क्रिएट की हुई थी साथ ही में जो हकीकत में जो घटनाएं घटी थी उन सभी चीजों के ऊपर जिस तरह से फोकस किया हुआ था अफग़ान जेल वाले सीक्वेंस थे इसके अलावा इंडिया में जो मलयाली लड़कियों को जिस तरह से अलग अलग तरीके से हिंदू लड़कियों को और क्रिश्चियन अलग अलग कम्युनिटी की लड़कियों को का मुस्लिम में कन्वर्ट करते इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करवा के जो सभी चीज़ें फिल्म में ब्रेन वॉश किस तरह से करते उसमें जो एक डिटेलिंग के साथ चीज़ें दिखाई वो बढ़िया है उसके बाद में वो सभी चीज़ें जब हो जाती उसके बाद में उन लड़कियों के साथ क्या होता है वो सभी चीज़ें दिखाई हुए वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाई हुई है ये सभी चीज़ें देखते समय आप ज़रूर शौख हो जाओगे डायरेक्टर ने जिस तरह चीज़े को पेश किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया है इससे पहले आपने कश्मीर फाइल फिल्म्स देखी हुई होगी वो फिल्म पिछले साल आई थी उसमें जिस तरह से चीज़ों को सच्चाई को हमारे सामने फैक्ट्स के साथ दिखाने की कोशिश की हुई थी ओरिजिनल जो चीज़ें घटी थी ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश की हुई थी ठीक उसी तरह ये फिल्म भी केरला मैंगलोर इस जैसे शहर में जो ये सभी चीज़ें हो रही है वहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी है वो दिखाने की कोशिश की हुई है किस तरह से लवू जिहाद का एंगल दिखाया हुआ जिस तरह से एक इस्लाम में कन्वर्ट करने का जो एंगल दिखाया हुआ वो सभी चीज़ें डायरेक्टर ने बखूबी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है जो रियल लाइफ इंसिडेंट थे जो रियल एविडेंस थे वो सभी चीज़ें इस फिल्म में ज़रूर दिखाई हुई है जो काफ़ी बढ़िया थी जहाँ पे प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी अच्छी थी कम से कम बजट में सभी चीज़ों को जिस तरह से डेवलप किया हुआ है हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया है वैसे इनिशियल डेज पे इस फिल्म को केरला में और बेंगलोर में शूट करने का फ़ैसला लिया था लेकिन वो थोड़ा मुश्किल था उसको आगे जाके थोड़ी मुसीबत आ रही थी और ये सभी चीज़ों के बीच में इस फिल्म को बाद में जब बनाया गया तब काफ़ी ज़्यादा एक अलग अलग लोकेशन चूज़ किए वहाँ पे इस फिल्म को पूरी तरह से शूट किया गया वैसे इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया है लेकिन कुछ सेक्शन ऑफ लिबरल्स से कुछ ऐसे ऑडियंस है जो वोकिजम वाले ऑडियंस है जो इसमें एजेंडा फालतू का बेफ़ालतू का एजेंडा डालने की कोशिश कर रही है तो वो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो केरला की वो इस फिल्म को दबाने की कोशिश कर रही है वो इसको क्रिटिसाइज़ कर रही है ओवरऑल देखा जाए तो ये फिल्म ऐसा कुछ एजेंडा नहीं है ना तो कोई कुछ चीज़ें इसमें दिखाई हुई ये प्योर रियल इंसिडेंट के ऊपर बनाई गई फिल्म है हाथ जो फिल्म की कहानी है उसको डेवलप करने के लिए चीजों को थोड़ा कनेक्ट किया है अदरवाइज इस फिल्म की जो कहानी है जो घटनाएं दिखाई गई है जिस तरह से इसमें ब्रेन वॉश करते हुए दिखाया हुआ है इससे भी काफ़ी ब्रूटल वे में सभी चीज़ों को किया जाता है ब्रेन वॉश करके जो इस्लाम धर्म में इस लड़कियों को जो बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है उसके बाद में जिस तरह से जो सीरिया में इराक में जो उनके साथ होता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक सीरिया में जिस तरह से इन लड़कियों को धीरे धीरे इनके पास जो चीज़ें करवाई जाती है वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखाए हुए फिल्म की एडिटिंग संजय शर्मा ने की हुई है जिन्होंने अच्छी तरह से फिल्म का एडिटिंग किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट ब्रिजेश रेनवाला और विशाख ज्योति ने किया हुआ जिन्होंने बखूबी इस फिल्म के जो गाने बैकग्राउंड स्कोर है उसमें काफ़ी काम किया हुआ है इस फिल्म की इन सभी चीज़ों को ये सभी टेक्निकल टीम की तरफ से अच्छा सपोर्ट मिला हुआ था 2010-12 के बाद जितने भी जो केस आए हुए उसके ऊपर इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया हुआ है फिलहाल में बताया जा रहा है कि ये सिर्फ इंडिया का इश्यू नहीं है फिल्म में सभी चीज़ें दिखाई गई है वो ये पूरे वर्ल्ड का इश्यू है क्योंकि ये इस्लाम कन्वर्ट वाला जो प्रोपोगेंडा है जो एक चीज़ है वो पूरे दुनिया में घूम रही है इंडिया में भी सिर्फ केरला और कर्नाटक तक, तक ये सीमित नहीं रही है ओवरऑल सभी जगह पे इसको प्रॉपर वे में दिखाने की कोशिश की जा रही है तो ये सभी चीज़ें जो घटनाएँ घट रही है जो सभी चीज़ें हो रही है इसके पीछे काफ़ी बुरी एक जो एक नीति है जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने के वो काफ़ी एक ख़राब तरीके से उसका यूज़ किया जा रहा है क्योंकि इस्लाम धर्म कन्वर्ट करने के बाद उसमें भी काफ़ी ब्रूटल वे में उनके साथ चीज़ें की जाती है लाहौ जिहाद का जो एंगल है वो सभी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा हद हाँ तक का एक प्रोपोगंड आइडिया है जो इस कंट्रीज़ में अलग अलग कंट्रीज़ में यूज़ किया जा रहा है तो उन सभी के चीज़ों के अगेंस्ट खड़ा रहना ज़रूरी है तो ये सभी चीज़ें इस फिल्म में ज़रूर दिखाई हुई है जिस तरह से इस फिल्म में बाद में उन विक्टिम्स के साथ क्या होता है उन सभी चीज़ों के ऊपर भी बातचीत की हुई है किस तरह से बाद में गवर्नमेंट की तरफ से टेक रहता है किस तरह से बाद में उनकी फैमिलीज़ को क्या सी चीज़ों को सफ़र करना पड़ता है वो लड़कियों को क्या फर करना पड़ता है उन सभी चीज़ों के ऊपर भी बातचीत की हुई फिल्म में अदा शर्मा देखने को मिलेगी जिन्होंने सालिनी उन्नी कृष्णन का रोल प्ले किया हुआ फातिमा बा जो उनका कन्वर्ट होने के बाद का नाम है योगी तबिहानी ने निम का रोल प्ले किया हुआ है सोनिया बालानी ने इस फिल्म में आसिफा का रोल प्ले किया हुआ है सिद्धि इदनानी ने गीतांजलि का रोल प्ले किया हुआ है देवादर्शिनी विजय कृष्णा प्रणय पांचोरी प्रणव मिश्रा ये सभी आर्टिस्ट फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इसके अलावा फिल्म के प्रोड्यूसर इस फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर दिखाई देंगे जिनका नाम है विपुल अमृतलाल लाल साह इस फिल्म के जो आर्टिस्ट है उन्होंने बखूबी अपना काम किया हुआ है अदा शर्मा सालिनी उन्नी कृष्णन के रोल में अपना इम्पिक छोड़ती हुई नजर आती है जिस तरह का उनके फेशियल एक्सप्रेशन थे जो डायलॉग थे जो बॉडी लैंग्वेज थी जिस तरह से वो जो ब्रेन वोस वाले सीन्स थे उसके बाद में उनके साथ जो घटनाएं घटती है उसमें उनका जो काम देखने को मिलता है उनके अपने किरदार के प्रति जो अपरोध देखने को मिलता है वो बढ़िया था इसी तरह जो दूसरी एक्ट्रेसिस थी जो आर्टिस्ट थे उन्होंने भी बखूबी एक रो रियल परफॉर्मेंस दी हुई है डायरेक्टर का यहाँ पे प्रोड्यूसर डायरेक्टर का एक सलामी देना चाहूँगा क्योंकि इतना ब्रूटल वे में जो सच्चाई दिखाई हुए वो बढ़िया है वैसे कोई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिलहाल तक मैंने नहीं देखा है कि कोई इस तरह की फिल्मों का टेक लेता है तो इस फिल्म में जिस तरह से प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने अपना ओपिनियन शेयर किया हुआ है अपनी जो बातें रखी हुई थी जो ओरिजिनल रियल इंसिडेंट घटे हुए उसके ऊपर जो बातचीत की हुई है वो बढ़िया है उसमें कोई उन्होंने प्रोपोगेंडा एड नहीं किया हुआ है ना तो उन्होंने उसमें कोई ऐसी चीज़ दूसरी ऐसी चीज़ ऐड की हुई है जिसकी वजह से जो ओरिजिनल फेक्ट्स है उसको तोड़ मरोड़ के दिखाने की कोशिश नहीं की हुई सभी चीज़ें सच्चाई और रियलिस्टिक के साथ दिखाई हुई है तो ये सभी चीज़ें जो फिल्म को बेहतर बनाती है और इस फिल्म को भले ए सर्टिफिकेट मिला हो लेकिन मैं कहूँ तो आप कोई फिल्म फैमिली के साथ ज़रूर देखनी चाहिए सभी लड़कियों को भी देखनी चाहिए ओवरऑल इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए हो सके तो अपने आस इसको शेयर करना चाहिए तो ये सभी इंसिडेंट ये फिल्म देखने के बाद लोगों के दिमाग में बैठेगा तो ये सभी चीज़ों के ऊपर एक अच्छा इम्पेक्ट पड़ेगा कि जो ये ब्रेन वॉश हो रहा है तो उन सभी चीज़ों से लड़कियाँ बच सकती है और फ्यूचर भी बेटर हो सकता है तो ये एक अच्छी बनाई गई फिल्म है, अच्छी इंटेंशन के साथ बनाई गई फिल्में और ऑडियंस की तरफ उतना ही सपोर्ट मर रह, मिल रहा है पाँच मई 2023 को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तो उससे पहले फिल्म का टीज़र ट्रेलर आउट हुआ था उसको भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था सपोर्ट मिला था फिल्म को जब रिलीज़ किया गया फिल्म को एक अच्छे खासे सोर्स दिलवाए गए और फिल्म को बेहतर रिलीज़ मिले जहाँ पर ऑडियंस भी इस फिल्म को जाके देख रही है वैसे फिलहाल में इस समय में जिस तरह की ऑडियंस की एक थॉट प्रोसेस है उस हिसाब से फिल्म अगर कोई नॉर्मल फिल्म रहती तो ऑडियंस देखने नहीं आती लेकिन इस फिल्म के लिए सभी ऑडियंस ने टाइम निकाला हुआ है सभी लोग देखने जा रही काफी पॉजिटिव टॉक मिल रहा है फिल्म के प्रति और फिल्म ने एक अच्छी अवेयरनेस क्रिएट की हुई वो सभी चीज़ों के ऊपर बातचीत हो रही है तो आपको ये फिल्म फिलहाल में थिएटर में जाके जरूर देखनी चाहिए एक थिएटर में जाके देखने वाली फिल्म में साथ ही में सभी को ये शेयर भी करना चाहिए चीज़ें इस फिल्म को इलीगल तरीके से नहीं देखना चाहिए ना तो कोई पायरेसी प्रिंट्स देखने चाहिए इस फिल्म कोई डायरेक्ट ओरिजिनली आपको थिएटर में देखना चाहिए अदरवाइज आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आने का वेट कर सकते हो तो गाइज इस फिल्म को मिस नहीं करना चाहिए ज़रूर देखना चाहिए फिल्म में एक अच्छा मैसेज है मैसेज है कोई प्रोपोगेंडा नहीं है और रियलिटी को दिखाने की कोशिश किए हुए है तो ये सभी चीज़ें फिल्म के पॉजिटिव साइड है जिसकी वजह से फिल्म को जरूर देखना चाहिए एक अच्छी खासी फिल्म है जिससे एक अच्छा मैसेज मिलता है और साथ ही में जो घटनाएं घटी है उसके बारे में आप अवेयर भी हो जाओगे तो अब इस फिल्म को अब ओ टी टी सेटेलाइट के ऊपर कैसे देख सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें तो फिलहाल में फिल्म थिएटर में चल रही है आने वाले कुछ महीनों में इस फिल्म को बाद में ओ टी टी पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म का नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है वहीं पर आने वाले उसके कुछ समय के बाद इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल के ऊपर एक अलग वर्जन क्रिएट किया जाएगा क्योंकि इसको ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो सैटेलाइट के लिए यू ए सर्टिफिकेट क्रिएट करवा के इस फिल्म को रिलीज़ करवाया जाएगा टेलीविजन के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के बाद ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर भी रिलीज करवाया जाएगा द केरला स्टोरी तो इस फिल्म को काफ़ी लंबे समय से बनाने की कोशिश चल रही थी जहाँ पे फाइनली 2023 में इस फिल्म को पूरी तरह से तैयार किया हुआ था वैसे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसकी रीज़न है वैसे न्यूडिटी ऐसा कुछ दिखाया नहीं है लेकिन जिस तरह का फिल्म का जो टॉपिक है उसमें कुछ रेप के केस दिखाए हुए तो उन सभी चीज़ों को इसमें बताया हुआ है तो इस वजह से ये सभी चीजें जो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी और यही सब रीज़न के चलते ए सर्टिफिकेट फिल्म को मिला हुआ है द केरला स्टोरी फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सुदीप तो सेन ने स्टोरी आइडिया उनका ही था इसके अलावा जो राइटिंग है उसमें काम किया हुआ है सूर्य पाल सिंह विपुल अमृतलाल शाह और सुदीप तो सेन ने विपुल अमृतलाल शाह ने ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जहां पे सनसाइन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है म्यूज़िक के राइट्स ही उन्होंने अपने ही पास रखे हुए थे ये एक 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है जहाँ पे ये एक ओरिजिनल जो कहानी घटना घटी है वो घटती रहती है उसके ऊपर बेस्ड है तो इस फिल्म में काफ़ी सारे अलग अलग जो टॉपिक है उसके ऊपर फोकस किया हुआ है जैसे कि इसमें लव जिहाद के ऊपर फोकस किया हुआ था जिस तरह से इस्लाम में कन्वर्ट करते हैं लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उन सभी चीज़ों के ऊपर भी फोकस किया हुआ है तो वो सभी चीज़ें केरला और कर्नाट में बेंगलोर में, में काफ़ी ज्यादा होती है तो उन सभी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है वैसे इस फिल्म को जब बनाया गया तो बॉलीवुड बो, की तरफ से कोई ऑफिशियली इस फिल्म को वैसे सपोर्ट नहीं मिला हुआ है लेकिन इस फिल्म को स्टैंड अलोन तरीके से जैसे कि इस फिल्म को एक पब्लिक डोमेन में काफ़ी ज्यादा सपोर्ट, जा, सपोर्ट मिला हुआ है पब्लिक की तरफ से ज्यादा सपोर्ट मिला हुआ है वैसे फिल्म को रिलीज़ किया गया तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल हुआ है जो मैं वो समोसा क्रिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ जेन्यून ऑडियंस जेन्यून पब्लिक की बात कर रहा हूँ सभी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेज से लेकर टेक्निकली इस फिल्म को वेल मेड तरीके से बनाया हुआ अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है हाँ फिल्म का बजट कम था तो उस हिसाब से चीज़ों को इधर उधर थोड़ा बहुत आपको इग्नोर करना पड़ेगा लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी खासी तरीके से बनी गई फिल्म है जो मैसेज करने किया हुआ जिस तरह से चीजों को डायरेक्टर ने दिखाया हुआ था वो बढ़िया था जहाँ पे जो स्टोरी लिखी हुई थी जिस तरह से चार लड़कियों की कहानी दिखाई हुई थी उसमें जो सभी चीजें डेवलप की हुई थी किरदारों के अंदर जो एक उन्होंने देख क्रिएट की हुई थी साथ ही में जो हकीकत में जो घटनाएं घटी थी उन सभी चीजों के ऊपर जिस तरह से फोकस किया हुआ था अफग़ान जेल वाले सीक्वेंस थे इसके अलावा इंडिया में जो मलयाली लड़कियों को जिस तरह से अलग अलग तरीके से हिंदू लड़कियों को और क्रिश्चियन अलग अलग कम्युनिटी की लड़कियों को का मुस्लिम में कन्वर्ट करते इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करवा के जो सभी चीज़ें फिल्म में ब्रेन वॉश किस तरह से करते उसमें जो एक डिटेलिंग के साथ चीज़ें दिखाई वो बढ़िया है उसके बाद में वो सभी चीज़ें जब हो जाती उसके बाद में उन लड़कियों के साथ क्या होता है वो सभी चीज़ें दिखाई हुए वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाई हुई है ये सभी चीज़ें देखते समय आप ज़रूर शौक हो जाओगे डायरेक्टर ने जिस तरह चीज़े को पेश किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया है इससे पहले आपने कश्मीर फाइल फिल्म्स देखी हुई होगी वो फिल्म पिछले साल आई थी उसमें जिस तरह से चीज़ों को सच्चाई को हमारे सामने फैक्ट्स के साथ दिखाने की कोशिश की हुई थी ओरिजिनल जो चीज़ें घटी थी ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश की हुई थी ठीक उसी तरह ये फिल्म भी केरला मैंगलोर इस जैसे शहर में जो ये सभी चीज़ें हो रही है वहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी है वो दिखाने की कोशिश की हुई है किस तरह से लवू जिहाद का एंगल दिखाया हुआ है जिस तरह से एक इस्लाम में कन्वर्ट करने का जो एंगल दिखाया हुआ वो सभी चीज़ें डायरेक्टर ने बखूबी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है जो रियल लाइफ इंसिडेंट थे जो रियल एविडेंस थे वो सभी चीज़ें इस फिल्म में ज़रूर दिखाई हुई है जो काफ़ी बढ़िया थी जहाँ पे प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी अच्छी थी कम से कम बजट में सभी चीज़ों को जिस तरह से डेवलप किया हुआ है हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया है वैसे इनिशियल डेज पे इस फिल्म को केरला में और बेंगलोर में शूट करने का फ़ैसला लिया था लेकिन वो थोड़ा मुश्किल था उसको आगे जाके थोड़ी मुसीबत आ रही थी और ये सभी चीज़ों के बीच में इस फिल्म को बाद में जब बनाया गया तब काफ़ी ज़्यादा एक अलग अलग लोकेशन चूज़ किए वहाँ पे इस फिल्म को पूरी तरह से शूट किया गया वैसे इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया है लेकिन कुछ सेक्शन ऑफ लिबरल्स से कुछ ऐसे ऑडियंस है जो वोकिजम वाले ऑडियंस है जो इसमें एजेंडा फालतू का बेफ़ालतू का एजेंडा डालने की कोशिश कर रही है तो वो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो केरला की वो इस फिल्म को दबाने की कोशिश कर रही है वो इसको क्रिटिसाइज़ कर रही है ओवरऑल देखा जाए तो ये फिल्म ऐसा कुछ एजेंडा नहीं है ना तो कोई कुछ चीज़ें इसमें दिखाई हुई ये प्योर रियल इंसिडेंट के ऊपर बनाई गई फिल्म है हाथ जो फिल्म की कहानी है उसको डेवलप करने के लिए चीजों को थोड़ा कनेक्ट किया है अदरवाइज इस फिल्म की जो कहानी है जो घटनाएं दिखाई गई है जिस तरह से इसमें ब्रेन वॉश करते हुए दिखाया हुआ है इससे भी काफ़ी ब्रूटल वे में सभी चीज़ों को किया जाता है ब्रेन वॉश करके जो इस्लाम धर्म में इस लड़कियों को जो बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है उसके बाद में जिस तरह से जो सीरिया में इराक में जो उनके साथ होता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक सीरिया में जिस तरह से इन लड़कियों को धीरे धीरे इनके पास जो चीज़ें करवाई जाती है वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखाया हुआ है फिल्म की एडिटिंग संजय शर्मा ने की हुई है जिन्होंने अच्छी तरह से फिल्म का एडिटिंग किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट ब्रिजेश रेनवाला और विशाख ज्योति ने किया हुआ जिन्होंने बखूबी इस फिल्म के जो गाने बैकग्राउंड स्कोर है उसमें काफ़ी काम किया हुआ है इस फिल्म की इन सभी चीज़ों को ये सभी टेक्निकल टीम की तरफ से अच्छा सपोर्ट मिला हुआ था 2010-12 के बाद जितने भी जो केस आए हुए उसके ऊपर इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया हुआ है फिलहाल में बताया जा रहा है कि ये सिर्फ इंडिया का इश्यू नहीं है फिल्म में सभी चीज़ें दिखाई गई है वो ये पूरे वर्ल्ड का इश्यू है क्योंकि ये इस्लाम कन्वर्ट वाला जो प्रोपोगेंडा है जो एक चीज़ है वो पूरे दुनिया में घूम रही है इंडिया में भी सिर्फ केरला और कर्नाटक तक, तक ये सीमित नहीं रही है ओवरऑल सभी जगह पे इसको प्रॉपर वे में दिखाने की कोशिश की जा रही है तो ये सभी चीज़ें जो घटनाएँ घट रही है जो सभी चीज़ें हो रही है इसके पीछे काफ़ी बुरी एक जो एक नीति है जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने के वो काफ़ी एक ख़राब तरीके से उसका यूज़ किया जा रहा है क्योंकि इस्लाम धर्म कन्वर्ट करने के बाद उसमें भी काफ़ी ब्रूटल वे में उनके साथ चीज़ें की जाती है लाहौ जिहाद का जो एंगल है वो सभी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा हद हाँ तक का एक प्रोपोगंड आइडिया है जो इस कंट्रीज़ में अलग अलग कंट्रीज़ में यूज़ किया जा रहा है तो उन सभी के चीज़ों के अगेंस्ट खड़ा रहना ज़रूरी है तो ये सभी चीज़ें इस फिल्म में ज़रूर दिखाई हुई है जिस तरह से इस फिल्म में बाद में उन विक्टिम्स के साथ क्या होता है उन सभी चीज़ों के ऊपर भी बातचीत की हुई है किस तरह से बाद में गवर्नमेंट की तरफ से टेक रहता है किस तरह से बाद में उनकी फैमिलीज़ को क्या सी चीज़ों को सफ़र करना पड़ता है वो लड़कियों को क्या फर करना पड़ता है उन सभी चीज़ों के ऊपर भी बातचीत की हुई फिल्म में अदा शर्मा देखने को मिलेगी जिन्होंने सालिनी उन्नी कृष्णन का रोल प्ले किया हुआ फातिमा बा जो उनका कन्वर्ट होने के बाद का नाम है योगी तबिहानी ने निम का रोल प्ले किया हुआ है सोनिया बालानी ने, ने इस फिल्म में आसिफा का रोल प्ले किया हुआ है सिद्धि इदनानी ने गीतांजलि का रोल प्ले किया हुआ है देवादर्शिनी विजय कृष्णा प्रणय पांचोरी प्रणव मिश्रा ये सभी आर्टिस्ट फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इसके अलावा फिल्म के प्रोड्यूसर इस फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर दिखाई देंगे जिनका नाम है विपुल अमृतलाल लाल साह इस फिल्म के जो आर्टिस्ट है उन्होंने बखूबी अपना काम किया हुआ है अदा शर्मा सालिनी उन्नी कृष्णन के रोल में अपना इम्पिक छोड़ती हुई नजर आती है जिस तरह का उनके फेशियल एक्सप्रेशन थे जो डायलॉग थे जो बॉडी लैंग्वेज थी जिस तरह से वो जो ब्रेन वोस वाले सीन्स थे उसके बाद में उनके साथ जो घटनाएं घटती है उसमें उनका जो काम देखने को मिलता है उनके अपने किरदार के प्रति जो अपरोध देखने को मिलता है वो बढ़िया था इसी तरह जो दूसरी एक्ट्रेसिस थी जो आर्टिस्ट थे उन्होंने भी बखूबी एक रो रियल परफॉर्मेंस दी हुई है डायरेक्टर का यहाँ पे प्रोड्यूसर डायरेक्टर का एक सलामी देना चाहूँगा क्योंकि इतना ब्रूटल वे में जो सच्चाई दिखाई हुई है वो बढ़िया है वैसे कोई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिलहाल तक मैंने नहीं देखा है कि कोई इस तरह की फिल्मों का टेक लेता है तो इस फिल्म में जिस तरह से प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने अपना ओपिनियन शेयर किया हुआ है अपनी जो बातें रखी हुई थी जो ओरिजिनल रियल इंसिडेंट घटे हुए उसके ऊपर जो बातचीत की हुई है वो बढ़िया है उसमें कोई उन्होंने प्रोपोगेंडा एड नहीं किया हुआ है ना तो उन्होंने उसमें कोई ऐसी चीज़ दूसरी ऐसी चीज़ ऐड की हुई है जिसकी वजह से जो ओरिजिनल फेक्ट्स है उसको तोड़ मरोड़ के दिखाने की कोशिश नहीं की हुई सभी चीज़ें सच्चाई और रियलिस्टिक के साथ दिखाई हुई है तो ये सभी चीज़ें जो फिल्म को बेहतर बनाती है और इस फिल्म को भले ए सर्टिफिकेट मिला हो लेकिन मैं कहूँ तो आप कोई फिल्म फैमिली के साथ ज़रूर देखनी चाहिए सभी लड़कियों को भी देखनी चाहिए ओवरऑल इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए हो सके तो अपने आस इसको शेयर करना चाहिए तो ये सभी इंसिडेंट ये फिल्म देखने के बाद लोगों के दिमाग में बैठेगा तो ये सभी चीज़ों के ऊपर एक अच्छा इम्पेक्ट पड़ेगा कि जो ये ब्रेन वॉश हो रहा है तो उन सभी चीज़ों से लड़कियाँ बच सकती है और फ्यूचर भी बेटर हो सकता है तो ये एक अच्छी बनाई गई फिल्म है, अच्छी इंटेंशन के साथ बनाई गई फिल्में और ऑडियंस की तरफ उतना ही सपोर्ट मर रह, मिल रहा है पाँच मई 2023 को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तो उससे पहले फिल्म का टीज़र ट्रेलर आउट हुआ था उसको भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था सपोर्ट मिला था फिल्म को जब रिलीज़ किया गया फिल्म को एक अच्छे खासे सोर्स दिलवाए गए और फिल्म को बेहतर रिलीज़ मिली जहाँ पर ऑडियंस भी इस फिल्म को जाके देख रही है वैसे फिलहाल में इस समय में जिस तरह की ऑडियंस की एक थॉट प्रोसेस है उस हिसाब से फिल्म अगर कोई नॉर्मल फिल्म रहती तो ऑडियंस देखने नहीं आती लेकिन इस फिल्म के लिए सभी ऑडियंस ने टाइम निकाला हुआ है सभी लोग देखने जा रही काफी पॉजिटिव टॉक मिल रहा है फिल्म के प्रति और फिल्म ने एक अच्छी अवेयरनेस क्रिएट की हुई वो सभी चीज़ों के ऊपर बातचीत हो रही है तो आपको ये फिल्म फिलहाल में थिएटर में जाके जरूर देखनी चाहिए एक थिएटर में जाके देखने वाली फिल्म में साथ ही में सभी को ये शेयर भी करना चाहिए चीज़ें इस फिल्म को इलीगल तरीके से नहीं देखना चाहिए ना तो कोई पायरेसी प्रिंट्स देखने चाहिए इस फिल्म कोई डायरेक्ट ओरिजिनली आपको थिएटर में देखना चाहिए अदरवाइज आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आने का वेट कर सकते हो तो गाइज इस फिल्म को मिस नहीं करना चाहिए ज़रूर देखना चाहिए फिल्म में एक अच्छा मैसेज है मैसेज है कोई प्रोपोगंडा नहीं है और रियलिटी को दिखाने की कोशिश किए हुए है तो ये सभी चीज़ें फिल्म के पॉजिटिव साइड है जिसकी वजह से फिल्म को जरूर देखना चाहिए एक अच्छी खासी फिल्म है जिससे एक अच्छा मैसेज मिलता है और साथ ही में जो घटनाएं घटी है उसके बारे में आप अवेयर भी हो जाओगे तो अब इस फिल्म को अब ओ टी टी सेटेलाइट के ऊपर कैसे देख सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें तो फिलहाल में फिल्म थिएटर में चल रही है आने वाले कुछ महीनों में इस फिल्म को बाद में ओ टी टी पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म का नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है वहीं पे आने वाले उसके कुछ समय के बाद इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल के ऊपर एक अलग वर्जन क्रिएट किया जाएगा क्योंकि इसको ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो सैटेलाइट के लिए यू ए सर्टिफिकेट क्रिएट करवा के इस फिल्म को रिलीज़ करवाया जाएगा टेलीविजन के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ के बाद ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर भी रिलीज करवाया जाएगा द केरला स्टोरी तो इस फिल्म को काफ़ी लंबे समय से बनाने की कोशिश चल रही थी जहाँ पे फाइनली 2023 में इस फिल्म को पूरी तरह से तैयार किया हुआ था वैसे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसकी रीज़न है वैसे न्यूडिटी ऐसा कुछ दिखाया नहीं है लेकिन जिस तरह का फिल्म का जो टॉपिक है उसमें कुछ रेप के केस दिखाए हुए तो उन सभी चीज़ों को इसमें बताया हुआ है तो इस वजह से ये सभी चीजें जो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी और यही सब रीज़न के चलते ए सर्टिफिकेट फिल्म को मिला हुआ है द केरला स्टोरी फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सुदीप तो सेन ने स्टोरी आइडिया उनका ही था इसके अलावा जो राइटिंग है उसमें काम किया हुआ है सूर्य पाल सिंह विपुल अमृतलाल शाह और सुदीप तो सेन ने विपुल अमृतलाल शाह ने ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जहां पे सनसाइन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है म्यूज़िक के राइट्स ही उन्होंने अपने ही पास रखे हुए थे ये एक 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है जहाँ पे ये एक ओरिजिनल जो कहानी घटना घटी है वो घटती रहती है उसके ऊपर बेस्ड है तो इस फिल्म में काफ़ी सारे अलग अलग जो टॉपिक है उसके ऊपर फोकस किया हुआ है जैसे कि इसमें लव जिहाद के ऊपर फोकस किया हुआ था जिस तरह से इस्लाम में कन्वर्ट करते हैं लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उन सभी चीज़ों के ऊपर भी फोकस किया हुआ है तो वो सभी चीज़ें केरला और कर्नाट में बेंगलोर में काफ़ी ज्यादा होती है तो उन सभी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है वैसे इस फिल्म को जब बनाया गया तो बॉलीवुड बो, की तरफ से कोई ऑफिशियली इस फिल्म को वैसे सपोर्ट नहीं मिला हुआ है लेकिन इस फिल्म को स्टैंड अलोन तरीके से जैसे कि इस फिल्म को एक पब्लिक डोमेन में काफ़ी ज्यादा सपोर्ट, जा, सपोर्ट मिला हुआ है पब्लिक की तरफ से ज्यादा सपोर्ट मिला हुआ है वैसे फिल्म को रिलीज़ किया गया तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल हुआ है जो मैं वो समोसा क्रिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ जेन्यून ऑडियंस जेन्यून पब्लिक की बात कर रहा हूँ सभी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेज से लेकर टेक्निकली इस फिल्म को वेल मेड तरीके से बनाया हुआ अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है हाँ फिल्म का बजट कम था तो उस हिसाब से चीज़ों को इधर उधर थोड़ा बहुत आपको इग्नोर करना पड़ेगा लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी खासी तरीके से बनी गई फिल्म है जो मैसेज करने किया हुआ जिस तरह से चीजों को डायरेक्टर ने दिखाया हुआ था वो बढ़िया था जहाँ पे जो स्टोरी लिखी हुई थी जिस तरह से चार लड़कियों की कहानी दिखाई हुई थी उसमें जो सभी चीजें डेवलप की हुई थी किरदारों के अंदर जो एक उन्होंने देख क्रिएट की हुई थी साथ ही में जो हकीकत में जो घटनाएं घटी थी उन सभी चीजों के ऊपर जिस तरह से फोकस किया हुआ था अफग़ान जेल वाले सीक्वेंस थे इसके अलावा इंडिया में जो मलयाली लड़कियों को जिस तरह से अलग अलग तरीके से हिंदू लड़कियों को और क्रिश्चियन अलग अलग कम्युनिटी की लड़कियों को का मुस्लिम में कन्वर्ट करते इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करवा के जो सभी चीज़ें फिल्म में ब्रेन वॉश किस तरह से करते उसमें जो एक डिटेलिंग के साथ चीज़ें दिखाई वो बढ़िया है उसके बाद में वो सभी चीज़ें जब हो जाती उसके बाद में उन लड़कियों के साथ क्या होता है वो सभी चीज़ें दिखाई हुए वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाई हुई है ये सभी चीज़ें देखते समय आप ज़रूर शौख हो जाओगे डायरेक्टर ने जिस तरह चीज़े को पेश किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया है इससे पहले आपने कश्मीर फाइल फिल्म्स देखी हुई होगी वो फिल्म पिछले साल आई थी उसमें जिस तरह से चीज़ों को सच्चाई को हमारे सामने फैक्ट्स के साथ दिखाने की कोशिश की हुई थी ओरिजिनल जो चीज़ें घटी थी ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश की हुई थी ठीक उसी तरह ये फिल्म भी केरला मैंगलोर इस जैसे शहर में जो ये सभी चीज़ें हो रही है वहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी है वो दिखाने की कोशिश की हुई है किस तरह से लवू जिहाद का एंगल दिखाया हुआ है जिस तरह से एक इस्लाम में कन्वर्ट करने का जो एंगल दिखाया हुआ वो सभी चीज़ें डायरेक्टर ने बखूबी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है जो रियल लाइफ इंसिडेंट थे जो रियल एविडेंस थे वो सभी चीज़ें इस फिल्म में ज़रूर दिखाई हुई है जो काफ़ी बढ़िया थी जहाँ पे प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी अच्छी थी कम से कम बजट में सभी चीज़ों को जिस तरह से डेवलप किया हुआ है हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया है वैसे इनिशियल डेज पे इस फिल्म को केरला में और बेंगलोर में शूट करने का फ़ैसला लिया था लेकिन वो थोड़ा मुश्किल था उसको आगे जाके थोड़ी मुसीबत आ रही थी और ये सभी चीज़ों के बीच में इस फिल्म को बाद में जब बनाया गया तब काफ़ी ज़्यादा एक अलग अलग लोकेशन चूज़ किए वहाँ पे इस फिल्म को पूरी तरह से शूट किया गया वैसे इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया केरला स्टोरी तो इस फिल्म को काफ़ी लंबे समय से बनाने की कोशिश चल रही थी जहाँ पे फाइनली 2023 में इस फिल्म को पूरी तरह से तैयार किया हुआ था वैसे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसकी रीज़न है वैसे न्यूडिटी ऐसा कुछ दिखाया नहीं है लेकिन जिस तरह का फिल्म का जो टॉपिक है उसमें कुछ रेप के केस दिखाए हुए तो उन सभी चीज़ों को इसमें बताया हुआ है तो इस वजह से ये सभी चीजें जो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी और यही सब रीज़न के चलते ए सर्टिफिकेट फिल्म को मिला हुआ है द केरला स्टोरी फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सुदीप तो सेन ने स्टोरी आइडिया उनका ही था इसके अलावा जो राइटिंग है उसमें काम किया हुआ है सूर्यपाल सिंह विपुल अमृत लाल शाह और सुदीप तो सेन ने विपुल अमृत लाल शाह ने ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जहां पे सनसाइन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है म्यूज़िक के राइट्स ही उन्होंने अपने ही पास रखे हुए थे ये एक 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है जहाँ पे ये एक ओरिजिनल जो कहानी घटना घटी है वो घटती रहती है उसके ऊपर बेस्ड है तो इस फिल्म में काफ़ी सारे अलग अलग जो टॉपिक है उसके ऊपर फोकस किया हुआ है जैसे कि इसमें लव जिहाद के ऊपर फोकस किया हुआ था जिस तरह से इस्लाम में कन्वर्ट करते लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उन सभी चीज़ों के ऊपर भी फोकस किया हुआ है तो वो सभी चीज़ें केरला और कर्नाटक में मैंगलोर में काफ़ी ज्यादा होती है तो उन सभी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है वैसे इस फिल्म को जब बनाया गया तो बॉलीवुड की तरफ से कोई ऑफिशियली इस फिल्म को वैसे सपोर्ट नहीं मिला हुआ है लेकिन इस फिल्म को स्टैंड अलोन तरीके से जैसे कि इस फिल्म को एक पब्लिक डोमेन में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला हुआ है पब्लिक की तरफ से ज़्यादा सपोर्ट मिला हुआ है वैसे फिल्म को रिलीज़ किया गया तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल हुआ है जो मैं वो समोसा क्रिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ जेन्यून ऑडियंस जेनुअन पब्लिक की बात कर रहा हूँ सभी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस से लेकर टेक्निकली इस फिल्म को वेल मेड तरीके से बनाया हुआ है अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है हाँ फिल्म का बजट कम था तो उस हिसाब से चीज़ों को इधर उधर थोड़ा बहुत आपको इग्नोर करना पड़ेगा लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी खासी तरीके से बनी गई फिल्म है जो मैसेज कने किया हुआ जिस तरह से चीजों को डायरेक्टर ने दिखाया हुआ था, वो बढ़िया था जहां पे जो स्टोरी लिखी हुई थी जिस तरह से चार लड़कियों की कहानी दिखाई हुई थी उसमें जो सभी चीजें डेवलप की हुई थी किरदारों के अंदर जो एक उन्होंने देख क्रिएट की हुई थी साथ ही में जो हकीकत में जो घटनाएं घटी थी उन सभी चीजों के ऊपर जिस तरह से फोकस किया हुआ था अफगान जेल वाले सीक्वेंस थे इसके अलावा इंडिया में जो मलयाली लड़कियों को जिस तरह से अलग अलग तरीके से हिंदू लड़कियों को और क्रिश्चियन अलग अलग कम्युनिटी की लड़कियों को का मुस्लिम में कन्वर्ट करते इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करवा के जो सभी चीज़ें फिल्म में, ब्रेन वॉश किस तरह से करते उसमें जो एक डिटेलिंग के साथ चीज़ें दिखाई हुई वो बढ़िया है उसके बाद में वो सभी चीज़ें जब हो जाती उसके बाद में उन लड़कियों के साथ क्या होता है वो सभी चीज़ें दिखाई हुए वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाई हुई है ये सभी चीजें देखते समय आप जरूर शौख हो जाओगे डायरेक्टर ने जिस तरह चीजें को पेश किया हुआ वो काफी बढ़िया है इससे पहले आपने कश्मीर फाइल फिल्म देखी हुई होगी वो फिल्म पिछले साल आई थी उसमें जिस तरह से चीज़ों को सच्चाई को हमारे सामने फैक्ट्स के साथ दिखाने की कोशिश की हुई थी ओरिजिनल जो चीज़ें घटी थी ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश की हुई थी ठीक उसी तरह ये फिल्म भी केरला मैंगलोर इस जैसे शहर में जो ये सभी चीज़ें हो रही है वहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी है वो दिखाने की कोशिश की हुई है किस तरह से लवू जिहाद का एंगल दिखाया हुआ है जिस तरह से एक इस्लाम में कन्वर्ट करने का जो एंगल दिखाया वो सभी चीज़ें डायरेक्ट ने बखूबी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है जो रियल लाइफ इंसिडेंट थे जो रियल एविडेंस थे वो सभी चीज़ें इस फिल्म में ज़रूर दिखाई हुई है जो काफ़ी बढ़िया थी जहाँ पे प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी अच्छी थी कम से कम बजट में सभी चीज़ों को जिस तरह से डेवलप किया हुआ है हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया है वैसे इनिशियल डेज पर इस फिल्म को केरला में और बेंगलोर में शूट करने का फ़ैसला लिया था लेकिन वो थोड़ा मुश्किल था उसको आगे जाके थोड़ी मुसीबत आ रही थी और ये सभी चीज़ों के बीच में इस फिल्म को बाद में जब बनाया गया तब काफ़ी ज़्यादा एक अलग अलग लोकेशन चूज़ किए वहाँ पे इस फिल्म को पूरी तरह से शूट किया गया वैसे इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया है लेकिन कुछ सेक्शन ऑफ लिबरल्स से कुछ ऐसे ऑडियंस है जो वकीजम वाले ऑडियंस है जो इसमें एजेंडा फालतू का बेफ़ालतू का एजेंडा डालने की कोशिश कर रही है तो वो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो केरला की वो इस फिल्म को दबाने की कोशिश कर रही है वो इसको क्रिटिसाइज़ कर रही है ओवरऑल देखा जाए तो ये फिल्म ऐसा कुछ एजेंडा नहीं है ना तो कोई कुछ चीज़ें इसमें दिखाई हुई ये प्योर रियल इंसिडेंट के ऊपर बनाई गई फिल्म है हाँ जो फिल्म की कहानी है उसको डेवलप करने के लिए चीजों को थोड़ा कनेक्ट किया है अदरवाइज इस फिल्म की जो कहानी है जो घटनाएं दिखाई गई है जिस तरह से इसमें ब्रेन वॉश करते हुए दिखाया हुआ है इससे भी काफ़ी ब्रूटल वे में सभी चीज़ों को किया जाता है ब्रेन वॉश करके जो इस्लाम धर्म में इस लड़कियों को जो बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है उसके बाद में जिस तरह से जो सीरिया में इराक में जो उनके साथ होता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक सीरिया में जिस तरह से इन लड़कियों को धीरे धीरे इनके पास जो चीज़ें करवाई जाती है वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखाए हुए फिल्म की एडिटिंग संजय शर्मा ने की हुई है जिन्होंने अच्छी तरह से फिल्म का एडिटिंग किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट ब्रिजेश रेनवाला और विशाख ज्योति ने किया जिन्होंने बखूबी इस फिल्म के जो गाने बैकग्राउंड स्कोर है उसमें काफ़ी काम किया हुआ है इस फिल्म की इन सभी चीज़ों को ये सभी टेक्निकल टीम की तरफ से अच्छा सपोर्ट मिला हुआ था 2010-12 के बाद जितने भी जो केस आए हुए उसके ऊपर इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया हुआ है फिलहाल में बताया जा रहा है कि ये सिर्फ इंडिया का इश्यू नहीं है फिल्म में सभी चीज़ें दिखाई गई है वो ये पूरे वर्ल्ड का इश्यू है क्योंकि ये इस्लाम कन्वर्ट वाला जो प्रोपोगंड है जो एक चीज़ है वो पूरे दुनिया में घूम रही है इंडिया में भी सिर्फ केरला और कर्नाटक तक, तक ये सीमित नहीं रही है ओवरऑल सभी जगह पे इसको प्रॉपर वे में दिखाने की कोशिश की जा रही है तो ये सभी चीज़ें जो घटनाएँ घट रही है जो सभी चीज़ें हो रही है इसके पीछे काफ़ी बुरी एक जो एक नीति है जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने के वो काफ़ी एक ख़राब तरीके से उसका यूज़ किया जा रहा है क्योंकि इस्लाम धर्म कन्वर्ट करने के बाद उसमें भी काफ़ी ब्रूटल वे में उनके साथ चीज़ें की जाती है लाहौ जिहाद का जो एंगल है वो सभी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा हद हाँ तक का एक प्रोपोगंड आइडिया है जो इस कंट्रीज़ में अलग अलग कंट्रीज़ में यूज़ किया जा रहा है तो उन सभी के चीज़ों के अगेंस्ट खड़ा रहना ज़रूरी है तो ये सभी चीज़ें इस फिल्म में ज़रूर दिखाई हुई है जिस तरह से इस फिल्म में बाद में उन विक्टिम्स के साथ क्या होता है उन सभी चीज़ों के ऊपर भी बातचीत की हुई है किस तरह से बाद में गवर्नमेंट की तरफ से टेक रहता है किस तरह से बाद में उनकी फैमिलीज को क्या सी चीज़ों को सफ़र करना पड़ता है वो लड़कियों को क्या सफर करना पड़ता है उन सभी चीजों के ऊपर भी बातचीत किए हुई फिल्म में अदा शर्मा देखने को मिलेगी जिन्होंने सालिनी उन्नी कृष्णन का रोल प्ले किया हुआ फातिमा बा जो उनका कन्वर्ट होने के बाद का नाम है योगी तब बिहानी ने निमहा का रोल प्ले किया हुआ है सोनिया बालानी ने, ने इस फिल्म में आसिफा का रोल प्ले किया हुआ है सिद्धि इदनानी ने गीतांजलि का रोल प्ले किया हुआ है देवादर्शिनी विजय कृष्णा प्रणय पांचोरी प्रणव मिश्रा ये सभी आर्टिस्ट फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इसके अलावा फिल्म के प्रोड्यूसर इस फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर दिखाई देंगे जिनका नाम है विपुल अमृतलाल लाल शाह इस फिल्म के जो आर्टिस्ट है उन्होंने बखूबी अपना काम किया हुआ है अदा शर्मा सालिनी उन्नी कृष्णन के रोल में अपना इम्पेक्ट छोड़ती हुई नजर आती है जिस तरह का उनके फेशियल एक्सप्रेशन थे जो डायलॉग थे जो बॉडी लैंग्वेज थी जिस तरह से वो जो ब्रेन वॉश वाले सीन्स थे उसके बाद में उनके साथ जो घटनाएं करती है उसमें उनका जो काम देखने को मिलता है उनके अपने किरदार के प्रति जो अपरोध देखने को मिलता है वो बढ़िया था इसी तरह जो दूसरी एक्ट्रेसिस थी जो आर्टिस्ट थे उन्होंने भी बखूबी एक रो रियल परफॉर्मेंस दी हुई है डायरेक्टर का यहाँ पे प्रोड्यूसर डायरेक्टर का एक आ, सलामी देना चाहूंगा क्योंकि इतना ब्रूटल वे में जो सच्चाई दिखाई हुई है वो बढ़िया है वैसे कोई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिलहाल तक मैंने नहीं देखा है कि कोई इस तरह की फिल्मों का टेक लेता है तो इस फिल्म में जिस तरह से प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने अपना ओपिनियन शेयर किया हुआ है अपनी जो बातें रखी हुई थी जो ओरिजिनल रियल इंसिडेंट घटे हुए उसके ऊपर जो बातचीत की हुई है वो बढ़िया है उसमें कोई उन्होंने प्रोपोगेंडा एड नहीं किया हुआ है ना तो उन्होंने उसमें कोई ऐसी दूसरी ऐसी चीज ऐड की हुई है जिसकी वजह से जो ओरिजिनल फैक्ट है उसको तोड़ मरोड़ के दिखाने की कोशिश नहीं की हुई सभी चीजें सच्चाई और रियलिस्टिक के साथ दिखाई हुई है तो ये सभी चीज़ें जो फिल्म को बेहतर बनाती है और इस फिल्म को भले ही एज सर्टिफिकेट मिला हो लेकिन मैं कहूँ तो आपको ये फिल्म फैमिली के साथ जरूर देखनी चाहिए सभी लड़कियों को भी देखनी चाहिए ओवरऑल इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए हो सके तो अपने आसपास इसको शेयर करना चाहिए तो ये सभी इंसिडेंट ये फिल्म देखने के बाद लोगों के दिमाग में बैठेगा तो ये सभी चीज़ों के ऊपर एक अच्छा इंपेक्ट पड़ेगा कि जो ये ब्रेन वॉश हो रहा है तो उन सभी चीज़ों से लड़कियां बच सकती है और फ्यूचर भी बेटर हो सकता है तो ये एक अच्छी बनाई गई फिल्म है, अच्छे इंटेंसन के साथ बनाई गई फिल्में और ऑडियंस की तरफ उतना ही सपोर्ट मर रहा, मिल रहा है पांच मई दो इस को इस फिल्म को रिलीज किया गया तो उससे पहले फिल्म का टीजर ट्रेलर आउट हुआ था उसको भी काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था सपोर्ट मिला था फिल्म को जब रिलीज किया गया फिल्म को एक अच्छे खासे सोर्स दिलवाए गए और फिल्म को बेहतर रिलीज मिली जहां पे ऑडियंस भी इस फिल्म को जाके देख रही है वैसे फिलहाल में इस समय में जिस तरह की ऑडियंस की एक थॉट प्रोसेस है उस हिसाब से फिल्म अगर कोई नॉर्मल फिल्म रहती तो ऑडियंस देखने नहीं आती लेकिन इस फिल्म के लिए सभी ऑडियंस ने टाइम निकाला हुआ है सभी लोग देखने जा रहे हैं काफी पॉजिटिव टॉक मिल रहा है फिल्म के प्रति और फिल्म ने एक अच्छी अवेयरनेस क्रिएट की हुई वो सभी चीजों के ऊपर बातचीत हो रही है तो आपको ये फिल्म फिलहाल में थिएटर में जाके जरूर देखनी चाहिए एक थिएटर में जाके देखने वाली फिल्म में साथ ही में सभी को शेयर भी करना चाहिए चीजें इस फिल्म को इनलीगल तरीके से नहीं देखना चाहिए ना तो कोई पायरेसी प्रिंट्स देखनी चाहिए इस फिल्म को डायरेक्ट ओरिजिनली आपको थिएटर में देखना चाहिए अदरवाइज आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने का वेट कर सकते हो तो गाइज इस फिल्म को मिस नहीं करना चाहिए ज़रूर देखना चाहिए फिल्म में एक अच्छा मैसेज है मैसेज है कोई प्रोपोगेंडा नहीं है और रियलिटी को दिखाने की कोशिश किए हुए है तो ये सभी चीज़ें फिल्म की पॉजिटिव साइड है जिसकी वजह से फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए एक अच्छी खासी फिल्म है जिससे एक अच्छा मैसेज मिलता है और साथ ही में जो घटनाएँ घटी है, है उसके बारे में आप अवेयर भी हो जाओगे तो अब इस फिल्म को अब ओ टी टी सेटेलाइट के ऊपर कैसे देख सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें तो फिलहाल में फिल्म थिएटर में चल रही है आने वाले कुछ महीनों में इस फिल्म को बाद में ओ टी टी पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म का नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है वहीं पर आने वाले उसके कुछ समय के बाद इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल के ऊपर एक अलग वर्जन क्रिएट किया जाएगा क्योंकि इसको ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो सैटेलाइट के लिए यू सर्टिफिकेट क्रिएट करवा के इस फिल्म को रिलीज करवाया जाएगा टेलीविजन के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के बाद ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर भी रिलीज करवाया जाएगा द केरला स्टोरी तो इस फिल्म को काफ़ी लंबे समय से बनाने की कोशिश चल रही थी जहाँ पे फाइनली 2023 में इस फिल्म को पूरी तरह से तैयार किया हुआ था वैसे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसकी रीज़न है वैसे न्यूडिटी ऐसा कुछ दिखाया नहीं है लेकिन जिस तरह का फिल्म का जो टॉपिक है उसमें कुछ रेप के केस दिखाए हुए तो उन सभी चीज़ों को इसमें बताया हुआ है तो इस वजह से ये सभी चीजें जो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी और यही सब रीजन के चलते ए सर्टिफिकेट फिल्म को मिला हुआ है द केरला स्टोरी फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सुदीप तो सेन ने स्टोरी आइडिया उनका ही था इसके अलावा जो राइटिंग है उसमें काम किया हुआ है सूर्यपाल सिंह विपुल अमृत लाल शाह और सुदीप तो सेन ने विपुल अमृत लाल शाह ने ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जहां पे सनसाइन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है म्यूज़िक के राइट्स ही उन्होंने अपने ही पास रखे हुए थे ये एक 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है जहाँ पे ये एक ओरिजिनल जो कहानी घटना घटी है वो घटती रहती है उसके ऊपर बेस्ड है तो इस फिल्म में काफ़ी सारे अलग अलग जो टॉपिक है उसके ऊपर फोकस किया हुआ है जैसे कि इसमें लव जिहाद के ऊपर फोकस किया हुआ था जिस तरह से इस्लाम में कन्वर्ट करते हैं लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उन सभी चीज़ों के ऊपर भी फोकस किया हुआ है तो वो सभी चीज़ें केरला और कर्नाटक में मैंगलोर में, में काफ़ी ज्यादा होती है तो उन सभी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है वैसे इस फिल्म को जब बनाया गया तो बॉलीवुड की तरफ से कोई ऑफिशियली इस फिल्म को वैसे सपोर्ट नहीं मिला हुआ है लेकिन इस फिल्म को स्टैंड अलोन तरीके से जैसे कि इस फिल्म को एक पब्लिक डोमेन में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट, सपोर्ट मिला हुआ है पब्लिक की तरफ से ज़्यादा सपोर्ट मिला हुआ है वैसे फिल्म को रिलीज़ किया गया तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल हुआ है जो मैं वो समोसा क्रिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ जेन्यून ऑडियंस जेनुअन पब्लिक की बात कर रहा हूँ सभी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस से लेकर टेक्निकली इस फिल्म को वेल मेड तरीके से बनाया हुआ है अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है हाँ फिल्म का बजट कम था तो उस हिसाब से चीज़ों को इधर उधर थोड़ा बहुत आपको इग्नोर करना पड़ेगा लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी खासी तरीके से बनी गई फिल्म है जो मैसेज कने किया हुआ जिस तरह से चीजों को डायरेक्टर ने दिखाया हुआ था, वो बढ़िया था पे जो स्टोरी लिखी हुई थी जिस तरह से चार लड़कियों की कहानी दिखाई हुई थी उसमें जो सभी चीजें डेवलप की हुई थी किरदारों के अंदर जो एक उन्होंने देख क्रिएट की हुई थी साथ ही में जो हकीकत में जो घटनाएं घटी थी उन सभी चीजों के ऊपर जिस तरह से फोकस किया हुआ था अफगान जेल वाले सीक्वेंस थे इसके अलावा इंडिया में जो मलयाली लड़कियों को जिस तरह से अलग अलग तरीके से हिंदू लड़कियों को और क्रिश्चियन अलग अलग कम्युनिटी की लड़कियों को का मुस्लिम में कन्वर्ट करते इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करवा के जो सभी चीजें फिल्म में ब्रेन वॉश किस तरह से करते उसमें जो एक डिटेलिंग के साथ चीजें दिखाई वो बढ़िया है उसके बाद में वो सभी चीजें जब हो जाती उसके बाद में उन लड़कियों के साथ क्या होता है वो सभी चीजें दिखाई हुए वो भी काफी अच्छी तरीके से दिखाई हुई है ये सभी चीजें देखते समय आप जरूर शौक हो जाओगे डायरेक्टर ने जिस तरह चीजें को पेश किया हुआ वो काफी बढ़िया है इससे पहले आपने कश्मीर फाइल फिल्म्स देखी हुई होगी वो फिल्म पिछले साल आई थी उसमें जिस तरह से चीज़ों को सच्चाई को हमारे सामने फैक्ट्स के साथ दिखाने की कोशिश की हुई थी ओरिजिनल जो चीज़ें घटी थी ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश की हुई थी ठीक उसी तरह ये फिल्म भी केरला मैंगलोर इस जैसे शहर में जो ये सभी चीज़ें हो रही है वहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी है वो दिखाने की कोशिश की हुई है किस तरह से लवू जिहाद का एंगल दिखाया हुआ है जिस तरह से एक इस्लाम में कन्वर्ट करने का जो एंगल दिखाया वो सभी चीज़ें डायरेक्टर ने बखूबी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है जो रियल लाइफ इंसिडेंट थे जो रियल एविडेंस थे वो सभी चीज़ें इस फिल्म में ज़रूर दिखाई हुई है जो काफ़ी बढ़िया थी जहाँ पे प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी अच्छी थी कम से कम बजट में सभी चीज़ों को जिस तरह से डेवलप किया हुआ है हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया है वैसे इनिशियल डेज पर इस फिल्म को केरला में और बेंगलोर में शूट करने का फैसला लिया था लेकिन वो थोड़ा मुश्किल था उसको आगे जाके थोड़ी मुसीबत आ रही थी और ये सभी चीज़ों के बीच में इस फिल्म को बाद में जब बनाया गया तब काफ़ी ज़्यादा एक अलग अलग लोकेशन चूज़ किए वहाँ पे इस फिल्म को पूरी तरह से शूट किया गया वैसे इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया है लेकिन कुछ सेक्शन ऑफ लिबरल से कुछ ऐसी ऑडियंस है जो वोकजम वाली ऑडियंस है जो इसमें एजेंडा फालतू का बेफ़ालतू का एजेंडा डालने की कोशिश कर रही है तो वो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो केरला की वो इस फिल्म को दबाने की कोशिश कर रही है वो इसको क्रिटिसाइज़ कर रही है ओवरऑल देखा जाए तो ये फिल्म ऐसा कुछ एजेंडा नहीं है ना तो कोई कुछ चीज़ें इसमें दिखाई हुई ये प्योर रियल इंसिडेंट के ऊपर बनाई गई फिल्म है हाँ जो फिल्म की कहानी है उसको डेवलप करने के लिए चीजों को थोड़ा कनेक्ट किया है अदरवाइज इस फिल्म की जो कहानी है जो घटनाएं दिखाई गई है जिस तरह से इसमें ब्रेन वॉश करते हुए दिखाया हुआ है इससे भी काफ़ी ब्रूटल वे में सभी चीज़ों को किया जाता है ब्रेन वॉश करके जो इस्लाम धर्म में इस लड़कियों को जो बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है उसके बाद में जिस तरह से जो सीरिया में इराक में जो उनके साथ होता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक सीरिया में जिस तरह से इन लड़कियों को धीरे धीरे इनके पास जो चीज़ें करवाई जाती है वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखाया हुआ है फिल्म की एडिटिंग संजय शर्मा ने की हुई है जिन्होंने अच्छी तरह से फिल्म का एडिटिंग किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट ब्रिजेश रेनवाला और विशाख ज्योति ने किया जिन्होंने बखूबी इस फिल्म के जो गाने बैकग्राउंड स्कोर है उसमें काफ़ी काम किया हुआ है इस फिल्म की इन सभी चीज़ों को ये सभी टेक्निकल टीम की तरफ से अच्छा सपोर्ट मिला हुआ था 2010-12 के बाद जितने भी जो केस आए हुए उसके ऊपर इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया हुआ है फिलहाल में बताया जा रहा है कि ये सिर्फ इंडिया का इश्यू नहीं है फिल्म में सभी चीज़ें दिखाई गई है वो ये पूरे वर्ल्ड का इश्यू है क्योंकि ये इस्लाम कन्वर्ट वाला जो प्रोपोगंड है जो एक चीज़ है वो पूरे दुनिया में घूम रही है इंडिया में भी सिर्फ केरला और कर्नाटक तक, तक ये सीमित नहीं रही है ओवरऑल सभी जगह पे इसको प्रॉपर वे में दिखाने की कोशिश की जा रही है तो ये सभी चीज़ें जो घटनाएँ घट रही है जो सभी चीज़ें हो रही है इसके पीछे काफ़ी बुरी एक जो एक नीति है जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने के वो काफ़ी एक ख़राब तरीके से उसका यूज़ किया जा रहा है क्योंकि इस्लाम धर्म कन्वर्ट करने के बाद उसमें भी काफ़ी ब्रूटल वे में उनके साथ चीज़ें की जाती है लाहौ जिहाद का जो एंगल है वो सभी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा हद तक का एक प्रोपोगंड आइडिया है जो इस कंट्रीज़ में अलग अलग कंट्रीज़ में यूज़ किया जा रहा है तो उन सभी के चीज़ों के अगेंस्ट खड़ा रहना ज़रूरी है तो ये सभी चीज़ें इस फिल्म में ज़रूर दिखाई हुई है जिस तरह से इस फिल्म में बाद में उन विक्टिम्स के साथ क्या होता है उन सभी चीज़ों के ऊपर भी बातचीत की हुई है किस तरह से बाद में गवर्नमेंट की तरफ से टेक रहता है किस तरह से बाद में उनकी फैमिलीज को क्या सी चीज़ों को सफ़र करना पड़ता है वो लड़कियों को क्या सफर करना पड़ता है उन सभी चीजों के ऊपर भी बातचीत किए हुई फिल्म में अदा शर्मा देखने को मिलेगी जिन्होंने सालिनी उन्नी कृष्णन का रोल प्ले किया हुआ फातिमा बा जो उनका कन्वर्ट होने के बाद का नाम है योगी तब बिहानी ने निमहा का रोल प्ले किया हुआ है सोनिया बालानी ने, ने इस फिल्म में आसिफा का रोल प्ले किया हुआ है सिद्धि इदनानी ने गीतांजलि का रोल प्ले किया हुआ है देवादर्शिनी विजय कृष्णा प्रणय पांचोरी प्रणव मिश्रा ये सभी आर्टिस्ट फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इसके अलावा फिल्म के प्रोड्यूसर इस फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पे दिखाई देंगे जिनका नाम है विपुल अमृतलाल शाह इस फिल्म के जो आर्टिस्ट है उन्होंने बखूबी अपना काम किया हुआ है अदा शर्मा सालिनी उन्नी कृष्णन के रोल में अपना इम्पेक्ट छोड़ती हुई नजर आती है जिस तरह का उनके फेशियल एक्सप्रेशन थे जो डायलॉग थे जो बॉडी लैंग्वेज थी जिस तरह से वो जो ब्रेन वॉश वाले सीन्स थे उसके बाद में उनके साथ जो घटनाएं घटती है उसमें उनका जो काम देखने को मिलता है उनके अपने किरदार के प्रति जो अपरोध देखने को मिलता है वो बढ़िया था इसी तरह जो दूसरी एक्ट्रेसिस थी जो आर्टिस्ट थे उन्होंने भी बखूबी एक रो रियल परफॉर्मेंस दी हुई है डायरेक्टर का यहाँ पे प्रोड्यूसर डायरेक्टर का एक सलामी देना चाहूँगा क्योंकि की, इतना ब्रूटल वे में जो सच्चाई दिखाई हुई वो बढ़िया है वैसे कोई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिलहाल तक मैंने नहीं देखा है कि कोई इस तरह की फिल्मों का टेक लेता है तो इस फिल्म में जिस तरह से प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने अपना ओपिनियन शेयर किया हुआ है अपनी जो बातें रखी हुई थी जो ओरिजिनल रियल इंसिडेंट घटे हुए उसके ऊपर जो बातचीत की हुई है वो बढ़िया है उसमें कोई उन्होंने प्रोपोगेंडा एड नहीं किया हुआ है ना तो उन्होंने उसमें कोई ऐसी चीज़ दूसरी ऐसी चीज ऐड की हुई है जिसकी वजह से जो ओरिजिनल फेक्ट है उसको तोड़ मरोड़ के दिखाने की कोशिश नहीं की हुई सभी चीज़ें सच्चाई और रियलिस्टिक के साथ दिखाई हुई है तो ये सभी चीज़ें जो फिल्म को बेहतर बनाती है और इस फिल्म को भले ही एज सर्टिफिकेट मिला हो लेकिन मैं कहूँ तो आपको ये फिल्म फैमिली के साथ ज़रूर देखनी चाहिए सभी लड़कियों को भी देखनी चाहिए ओवरऑल इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए हो सके तो अपने आसपास इसको शेयर करना चाहिए तो ये सभी इंसिडेंट ये फिल्म देखने के बाद लोगों के दिमाग में बैठेगा तो ये सभी चीज़ों के ऊपर एक अच्छा इम्पेक्ट पड़ेगा कि जो ये ब्रेन वॉश हो रहा है तो उन सभी चीज़ों से लड़कियां बच सकती है और फ्यूचर भी बेटर हो सकता है तो ये एक अच्छी बनाई गई फिल्म अच्छे इंटेंशन के साथ बनाई गई फिल्में और ऑडियंस की तरफ उतना ही सपोर्ट मर रह, मिल रहा है पांच मई दो को इस फिल्म को रिलीज किया गया तो उससे पहले फिल्म का टीजर ट्रेलर आउट हुआ था उसको भी काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था सपोर्ट मिला था फिल्म को जब रिलीज किया गया फिल्म को एक अच्छे खासे सोर्स दिलवाए गए और फिल्म को बेहतर रिलीज मिली जहाँ पे ऑडियंस भी इस फिल्म को जाके देख रही है वैसे फिलहाल में इस समय में जिस तरह की ऑडियंस की ता एक थॉट प्रोसेस है उस हिसाब से फिल्म अगर कोई नॉर्मल फिल्म रहती तो ऑडियंस देखने नहीं आती लेकिन इस फिल्म के लिए सभी ऑडियंस ने टाइम निकाला हुआ है सभी लोग देखने जा रहे हैं काफ़ी पॉजिटिव टॉक मिल रहा है फिल्म के प्रति और फिल्म ने एक अच्छी अवेयरनेस क्रिएट की हुई वो सभी चीज़ों के ऊपर बातचीत हो रही है तो आपको ये फिल्म फिलहाल में थिएटर में जाके ज़रूर देखनी चाहिए एक थिएटर में जाके देखने वाली फिल्म है साथ ही में सभी को ये शेयर भी करना चाहिए चीज़ें इस फिल्म को इलीगल तरीके से नहीं देखना चाहिए ना तो कोई पायरेसी uh, प्रिंट्स देखने चाहिए इस फिल्म को डायरेक्ट ओरिजिनली आपको थिएटर में देखना चाहिए अदरवाइज आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आने का वेट कर सकते हो तो गाइज इस फिल्म को मिस नहीं करना चाहिए जरूर देखना चाहिए फिल्म एक अच्छा मैसेज है मैसेज है कोई प्रोपोगेंडा नहीं है और रियलिटी को दिखाने की कोशिश किए हुए है तो ये सभी चीजें फिल्म की पॉजिटिव साइड है जिसकी वजह से फिल्म को जरूर देखना चाहिए एक अच्छी खासी फिल्म है जिससे एक अच्छा मैसेज मिलता है और साथ ही में जो घटनाएं घटी है, है उसके बारे में आप अवेयर भी हो जाओगे तो अब इस फिल्म को अब ओ टी टी सेटेलाइट के ऊपर कैसे देख सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें तो फिलहाल में फिल्म थिएटर में चल रही है आने वाले कुछ महीनों में इस फिल्म को बाद में ओ टी टी पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म का नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है वहीं पे आने वाले उसके कुछ समय के बाद इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल के ऊपर एक अलग वर्जन क्रिएट किया जाएगा क्योंकि इसको ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो सैटेलाइट के लिए यू सर्टिफिकेट क्रिएट करवा के इस फिल्म को रिलीज़ करवाया जाएगा टेलीविजन के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के बाद ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर भी रिलीज करवाया जाएगा द केरला स्टोरी तो इस फिल्म को काफ़ी लंबे समय से बनाने की कोशिश चल रही थी जहाँ पे फाइनली 2023 में इस फिल्म को पूरी तरह से तैयार किया हुआ था वैसे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसकी रीज़न है वैसे न्यूडिटी ऐसा कुछ दिखाया नहीं है लेकिन जिस तरह का फिल्म का जो टॉपिक है उसमें कुछ रेप के केस दिखाए हुए तो उन सभी चीज़ों को इसमें बताया हुआ है तो इस वजह से ये सभी चीजें जो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी और यही सब रीजन के चलते ए सर्टिफिकेट फिल्म को मिला हुआ है द केरला स्टोरी फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सुदीप तो सेन ने स्टोरी आइडिया उनका ही था इसके अलावा जो राइटिंग है उसमें काम किया हुआ है सूर्यपाल सिंह विपुल अमृत लाल शाह और सुदीप तो सेन ने विपुल अमृत लाल शाह ने ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जहां पे सनसाइन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है म्यूज़िक के राइट्स ही उन्होंने अपने ही पास रखे हुए थे ये एक 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है जहाँ पे ये एक ओरिजिनल जो कहानी घटना घटी है वो घटती रहती है उसके ऊपर बेस्ड है तो इस फिल्म में काफ़ी सारे अलग अलग जो टॉपिक है उसके ऊपर फोकस किया हुआ है जैसे कि इसमें लव जिहाद के ऊपर फोकस किया हुआ था जिस तरह से इस्लाम में कन्वर्ट करते लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उन सभी चीज़ों के ऊपर भी फोकस किया हुआ है तो वो सभी चीज़ें केरला और कर्नाटक में मैंगलोर में काफ़ी ज्यादा होती है तो उन सभी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है वैसे इस फिल्म को जब बनाया गया तो बॉलीवुड बो, की तरफ से कोई ऑफिशियली इस फिल्म को वैसे सपोर्ट नहीं मिला हुआ है लेकिन इस फिल्म को स्टैंड अलोन तरीके से जैसे कि इस फिल्म को एक पब्लिक डोमेन में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट, जा, सपोर्ट मिला हुआ है पब्लिक की तरफ से ज़्यादा सपोर्ट मिला हुआ है वैसे फिल्म को रिलीज़ किया गया तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल हुआ है जो मैं वो समोसा क्रिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ जेन्यून ऑडियंस जेनुअन पब्लिक की बात कर रहा हूँ सभी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस से लेकर टेक्निकली इस फिल्म को वेल मेड तरीके से बनाया हुआ है अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है हाँ फिल्म का बजट कम था तो उस हिसाब से चीज़ों को इधर उधर थोड़ा बहुत आपको इग्नोर करना पड़ेगा लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी खासी तरीके से बनी गई फिल्म है जो मैसेज कने किया हुआ जिस तरह से चीजों को डायरेक्टर ने दिखाया हुआ था वो बढ़िया था जहाँ पे जो स्टोरी लिखी हुई थी जिस तरह से चार लड़कियों की कहानी दिखाई हुई थी उसमें जो सभी चीजें डेवलप की हुई थी किरदारों के अंदर जो एक उन्होंने देख क्रिएट की हुई थी साथ ही में जो हकीकत में जो घटनाएं घटी थी उन सभी चीजों के ऊपर जिस तरह से फोकस किया हुआ था अफगान जेल वाले सीक्वेंस थे इसके अलावा इंडिया में जो मलयाली लड़कियों को जिस तरह से अलग अलग तरीके से हिंदू लड़कियों को और क्रिश्चियन अलग अलग कम्युनिटी की लड़कियों को का मुस्लिम में कन्वर्ट करते इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करवा के जो सभी चीज़ें फिल्म में, ब्रेन वॉश किस तरह से करते उसमें जो एक डिटेलिंग के साथ चीज़ें दिखाई हुई वो बढ़िया है उसके बाद में वो सभी चीज़ें जब हो जाती उसके बाद में उन लड़कियों के साथ क्या होता है वो सभी चीज़ें दिखाई हुए वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाई हुई है ये सभी चीजें देखते समय आप जरूर शौख हो जाओगे डायरेक्टर ने जिस तरह चीजें को पेश किया हुआ वो काफी बढ़िया है इससे पहले आपने कश्मीर फाइल फिल्म देखी हुई होगी वो फिल्म पिछले साल आई थी उसमें जिस तरह से चीज़ों को सच्चाई को हमारे सामने फैक्ट्स के साथ दिखाने की कोशिश की हुई थी ओरिजिनल जो चीज़ें घटी थी ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश की हुई थी ठीक उसी तरह ये फिल्म भी केरला मैंगलोर इस जैसे शहर में जो ये सभी चीज़ें हो रही है वहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी है वो दिखाने की कोशिश की हुई है किस तरह से लवू जिहाद का एंगल दिखाया हुआ है जिस तरह से एक इस्लाम में कन्वर्ट करने का जो एंगल दिखाया वो सभी चीज़ें डायरेक्ट ने बखूबी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है जो रियल लाइफ इंसिडेंट थे जो रियल एविडेंस थे वो सभी चीज़ें इस फिल्म में ज़रूर दिखाई हुई है जो काफ़ी बढ़िया थी जहाँ पे प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी अच्छी थी कम से कम बजट में सभी चीज़ों को जिस तरह से डेवलप किया हुआ है हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया है वैसे इनिशियल डेज पर इस फिल्म को केरला में और बेंगलोर में शूट करने का फ़ैसला लिया था लेकिन वो थोड़ा मुश्किल था उसको आगे जाके थोड़ी मुसीबत आ रही थी और ये सभी चीज़ों के बीच में इस फिल्म को बाद में जब बनाया गया तब काफ़ी ज़्यादा एक अलग अलग लोकेशन चूज़ किए वहाँ पे इस फिल्म को पूरी तरह से शूट किया गया वैसे इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया है लेकिन कुछ सेक्शन ऑफ लिबरल से कुछ ऐसे ऑडियंस है जो वोज़म वाले ऑडियंस है जो इसमें एजेंडा फालतू का बेफ़ालतू का एजेंडा डालने की कोशिश कर रही है तो वो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो केरला की वो इस फिल्म को दबाने की कोशिश कर रही है वो इसको क्रिटिसाइज़ कर रही है ओवरऑल देखा जाए तो ये फिल्म ऐसा कुछ एजेंडा नहीं है ना तो कोई कुछ चीज़ें इसमें दिखाई हुई ये प्योर रियल इंसिडेंट के ऊपर बनाई गई फिल्म है हाँ जो फिल्म की कहानी है उसको डेवलप करने के लिए चीजों को थोड़ा कनेक्ट किया है अदरवाइज इस फिल्म की जो कहानी है जो घटनाएं दिखाई गई है जिस तरह से इसमें ब्रेन वॉश करते हुए दिखाया हुआ है इससे भी काफ़ी ब्रूटल वे में सभी चीज़ों को किया जाता है ब्रेन वॉश करके जो इस्लाम धर्म में इस लड़कियों को जो बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है उसके बाद में जिस तरह से जो सीरिया में इराक में जो उनके साथ होता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक सीरिया में जिस तरह से इन लड़कियों को धीरे धीरे इनके पास जो चीज़ें करवाई जाती है वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखाया हुआ है फिल्म की एडिटिंग संजय शर्मा ने की हुई है जिन्होंने अच्छी तरह से फिल्म का एडिटिंग किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट ब्रिजेश रेनवाला और विशाख ज्योति ने किया जिन्होंने बखूबी इस फिल्म के जो गाने बैकग्राउंड स्कोर है उसमें काफ़ी काम किया हुआ है इस फिल्म की इन सभी चीज़ों को ये सभी टेक्निकल टीम की तरफ से अच्छा सपोर्ट मिला हुआ था 2010-12 के बाद जितने भी जो केस आए हुए उसके ऊपर इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया हुआ है फिलहाल में बताया जा रहा है कि ये सिर्फ इंडिया का इश्यू नहीं है फिल्म में सभी चीज़ें दिखाई गई है वो ये पूरे वर्ल्ड का इश्यू है क्योंकि ये इस्लाम कन्वर्ट वाला जो प्रोपोगंड है जो एक चीज़ है वो पूरे दुनिया में घूम रही है इंडिया में भी सिर्फ केरला और कर्नाटक तक, तक ये सीमित नहीं रही है ओवरऑल सभी जगह पे इसको प्रॉपर वे में दिखाने की कोशिश की जा रही है तो ये सभी चीज़ें जो घटनाएँ घट रही है जो सभी चीज़ें हो रही है इसके पीछे काफ़ी बुरी एक जो एक नीति है जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने के वो काफ़ी एक ख़राब तरीके से उसका यूज़ किया जा रहा है क्योंकि इस्लाम धर्म कन्वर्ट करने के बाद उसमें भी काफ़ी ब्रूटल वे में उनके साथ चीज़ें की जाती है लाहौ जिहाद का जो एंगल है वो सभी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा हद तक का एक प्रोपोगंड आइडिया है जो इस कंट्रीज़ में अलग अलग कंट्रीज़ में यूज़ किया जा रहा है तो उन सभी के चीज़ों के अगेंस्ट खड़ा रहना ज़रूरी है तो ये सभी चीज़ें इस फिल्म में ज़रूर दिखाई हुई है जिस तरह से इस फिल्म में बाद में उन विक्टिम्स के साथ क्या होता है उन सभी चीज़ों के ऊपर भी बातचीत की हुई है किस तरह से बाद में गवर्नमेंट की तरफ से टेक रहता है किस तरह से बाद में उनकी फैमिलीज को क्या सी चीज़ों को सफ़र करना पड़ता है वो लड़कियों को क्या सफर करना पड़ता है उन सभी चीजों के ऊपर भी बातचीत किए हुई फिल्म में अदा शर्मा देखने को मिलेगी जिन्होंने सालिनी उन्नी कृष्णन का रोल प्ले किया हुआ फातिमा बा जो उनका कन्वर्ट होने के बाद का नाम है योगी तब बिहानी ने निमहा का रोल प्ले किया हुआ है सोनिया बालानी ने इस फिल्म में आसिफा का रोल प्ले किया हुआ है सिद्धि इदनानी ने गीतांजलि का रोल प्ले किया हुआ है देवादर्शिनी विजय कृष्णा प्रणय पांचोरी प्रणव मिश्रा ये सभी आर्टिस्ट फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इसके अलावा फिल्म के प्रोड्यूसर इस फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पे दिखाई देंगे जिनका नाम है विपुल अमृतलाल शाह इस फिल्म के जो आर्टिस्ट है उन्होंने बखूबी अपना काम किया हुआ है अदा शर्मा सालिनी उन्नी कृष्णन के रोल में अपना इम्पेक्ट छोड़ती हुई नजर आती है जिस तरह का उनके फेशियल एक्सप्रेशन थे जो डायलॉग थे जो बॉडी लैंग्वेज थी जिस तरह से वो जो ब्रेन वॉश वाले सीन्स थे उसके बाद में उनके साथ जो घटनाएं घटती है उसमें उनका जो काम देखने को मिलता है उनके अपने किरदार के प्रति जो अपरोध देखने को मिलता है वो बढ़िया था इसी तरह जो दूसरी एक्ट्रेसिस थी जो आर्टिस्ट थे उन्होंने भी बखूबी एक रो रियल परफॉर्मेंस दी हुई है डायरेक्टर का यहाँ पे प्रोड्यूसर डायरेक्टर का एक सलामी देना चाहूँगा क्योंकि की, इतना ब्रूटल वे में जो सच्चाई दिखाई हुई वो बढ़िया है वैसे कोई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिलहाल तक मैंने नहीं देखा है कि कोई इस तरह की फिल्मों का टेक लेता है तो इस फिल्म में जिस तरह से प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने अपना ओपिनियन शेयर किया हुआ है अपनी जो बातें रखी हुई थी जो ओरिजिनल रियल इंसिडेंट घटे हुए उसके ऊपर जो बातचीत की हुई है वो बढ़िया है उसमें कोई उन्होंने प्रोपोगेंडा एड नहीं किया हुआ है ना तो उन्होंने उसमें कोई ऐसी चीज़ दूसरी ऐसी चीज ऐड की हुई है जिसकी वजह से जो ओरिजिनल फेक्ट है उसको तोड़ मरोड़ के दिखाने की कोशिश नहीं की हुई सभी चीज़ें सच्चाई और रियलिस्टिक के साथ दिखाई हुई है तो ये सभी चीज़ें जो फिल्म को बेहतर बनाती है और इस फिल्म को भले ही एज सर्टिफिकेट मिला हो लेकिन मैं कहूँ तो आपको ये फिल्म फैमिली के साथ ज़रूर देखनी चाहिए सभी लड़कियों को भी देखनी चाहिए ओवरऑल इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए हो सके तो अपने आसपास इसको शेयर करना चाहिए तो ये सभी इंसिडेंट ये फिल्म देखने के बाद लोगों के दिमाग में बैठेगा तो ये सभी चीज़ों के ऊपर एक अच्छा इम्पेक्ट पड़ेगा कि जो ये ब्रेन वॉश हो रहा है तो उन सभी चीज़ों से लड़कियां बच सकती है और फ्यूचर भी बेटर हो सकता है तो ये एक अच्छी बनाई गई फिल्म अच्छे इंटेंशन के साथ बनाई गई फिल्में और ऑडियंस की तरफ उतना ही सपोर्ट मर रह, मिल रहा है पांच मई दो को इस फिल्म को रिलीज किया गया तो उससे पहले फिल्म का टीजर ट्रेलर आउट हुआ था उसको भी काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था सपोर्ट मिला था फिल्म को जब रिलीज किया गया फिल्म को एक अच्छे खासे सोर्स दिलवाए गए और फिल्म को बेहतर रिलीज मिली जहाँ पे ऑडियंस भी इस फिल्म को जाके देख रही है वैसे फिलहाल में इस समय में जिस तरह की ऑडियंस की ता एक थॉट प्रोसेस है उस हिसाब से फिल्म अगर कोई नॉर्मल फिल्म रहती तो ऑडियंस देखने नहीं आती लेकिन इस फिल्म के लिए सभी ऑडियंस ने टाइम निकाला हुआ है सभी लोग देखने जा रहे हैं काफ़ी पॉजिटिव टॉक मिल रहा है फिल्म के प्रति और फिल्म ने एक अच्छी अवेयरनेस क्रिएट की हुई वो सभी चीज़ों के ऊपर बातचीत हो रही है तो आपको ये फिल्म फिलहाल में थिएटर में जाके ज़रूर देखनी चाहिए एक थिएटर में जाके देखने वाली फिल्म है साथ ही में सभी को ये शेयर भी करना चाहिए चीज़ें इस फिल्म को इनलीगल तरीके से नहीं देखना चाहिए ना तो कोई पायरेसी uh, प्रिंट्स देखने चाहिए इस फिल्म को डायरेक्ट ओरिजिनली आपको थिएटर में देखना चाहिए अदरवाइज आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आने का वेट कर सकते हो तो गाइज इस फिल्म को मिस नहीं करना चाहिए जरूर देखना चाहिए फिल्म एक अच्छा मैसेज है मैसेज है कोई प्रोपोगेंडा नहीं है और रियलिटी को दिखाने की कोशिश किए हुए है तो ये सभी चीजें फिल्म की पॉजिटिव साइड है जिसकी वजह से फिल्म को जरूर देखना चाहिए एक अच्छी खासी फिल्म है जिससे एक अच्छा मैसेज मिलता है और साथ ही में जो घटनाएं घटी है, है उसके बारे में आप अवेयर भी हो जाओगे तो अब इस फिल्म को अब ओ टी टी सेटेलाइट के ऊपर कैसे देख सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें तो फिलहाल में फिल्म थिएटर में चल रही है आने वाले कुछ महीनों में इस फिल्म को बाद में ओ टी टी पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म का नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है वहीं पे आने वाले उसके कुछ समय के बाद इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल के ऊपर एक अलग वर्जन क्रिएट किया जाएगा क्योंकि इसको ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो सैटेलाइट के लिए यू सर्टिफिकेट क्रिएट करवा के इस फिल्म को रिलीज़ करवाया जाएगा टेलीविजन के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के बाद ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर भी रिलीज करवाया जाएगा द केरला स्टोरी तो इस फिल्म को काफ़ी लंबे समय से बनाने की कोशिश चल रही थी जहाँ पे फाइनली 2023 में इस फिल्म को पूरी तरह से तैयार किया हुआ था वैसे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसकी रीज़न है वैसे न्यूडिटी ऐसा कुछ दिखाया नहीं है लेकिन जिस तरह का फिल्म का जो टॉपिक है उसमें कुछ रेप के केस दिखाए हुए तो उन सभी चीज़ों को इसमें बताया हुआ है तो इस वजह से ये सभी चीजें जो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी और यही सब रीजन के चलते ए सर्टिफिकेट फिल्म को मिला हुआ है द केरला स्टोरी फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सुदीप तो सेन ने स्टोरी आइडिया उनका ही था इसके अलावा जो राइटिंग है उसमें काम किया हुआ है सूर्यपाल सिंह विपुल अमृत लाल शाह और सुदीप तो सेन ने विपुल अमृत लाल शाह ने ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जहां पे सनसाइन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है म्यूज़िक के राइट्स ही उन्होंने अपने ही पास रखे हुए थे ये एक 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है जहाँ पे ये एक ओरिजिनल जो कहानी घटना घटी है वो घटती रहती है उसके ऊपर बेस्ड है तो इस फिल्म में काफ़ी सारे अलग अलग जो टॉपिक है उसके ऊपर फोकस किया हुआ है जैसे कि इसमें लव जिहाद के ऊपर फोकस किया हुआ था जिस तरह से इस्लाम में कन्वर्ट करते लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उन सभी चीज़ों के ऊपर भी फोकस किया हुआ है तो वो सभी चीज़ें केरला और कर्नाटक में मैंगलोर में, में काफ़ी ज्यादा होती है तो उन सभी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है वैसे इस फिल्म को जब बनाया गया तो बॉलीवुड की तरफ से कोई ऑफिशियली इस फिल्म को वैसे सपोर्ट नहीं मिला हुआ है लेकिन इस फिल्म को स्टैंड अलोन तरीके से जैसे कि इस फिल्म को एक पब्लिक डोमेन में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट, सपोर्ट मिला हुआ है पब्लिक की तरफ से ज़्यादा सपोर्ट मिला हुआ है वैसे फिल्म को रिलीज़ किया गया तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल हुआ है जो मैं वो समोसा क्रिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ जेन्यून ऑडियंस जेनुअन पब्लिक की बात कर रहा हूँ सभी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस से लेकर टेक्निकली इस फिल्म को वेल मेड तरीके से बनाया हुआ है अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है हाँ फिल्म का बजट कम था तो उस हिसाब से चीज़ों को इधर उधर थोड़ा बहुत आपको इग्नोर करना पड़ेगा लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी खासी तरीके से बनी गई फिल्म है जो मैसेज कन्स किया हुआ जिस तरह से चीजों को डायरेक्टर ने दिखाया हुआ था, वो बढ़िया था जहां पे जो स्टोरी लिखी हुई थी जिस तरह से चार लड़कियों की कहानी दिखाई हुई थी उसमें जो सभी चीजें डेवलप की हुई थी किरदारों के अंदर जो एक उन्होंने देख क्रिएट की हुई थी साथ ही में जो हकीकत में जो घटनाएं घटी थी उन सभी चीजों के ऊपर जिस तरह से फोकस किया हुआ था अफगान जेल वाले सीक्वेंस थे इसके अलावा इंडिया में जो मलयाली लड़कियों को जिस तरह से अलग अलग तरीके से हिंदू लड़कियों को और क्रिश्चियन अलग अलग कम्युनिटी की लड़कियों को का मुस्लिम में कन्वर्ट करते इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करवा के जो सभी चीजें फिल्म में, ब्रेन वॉश किस तरह से करते उसमें जो एक डिटेलिंग के साथ चीजें दिखाई हुई वो बढ़िया है उसके बाद में वो सभी चीज़ें जब हो जाती उसके बाद में उन लड़कियों के साथ क्या होता है वो सभी चीजें दिखाई हुए वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाई हुई है ये सभी चीजें देखते समय आप जरूर शौख हो जाओगे डायरेक्टर ने जिस तरह चीजें को पेश किया हुआ वो काफी बढ़िया है इससे पहले आपने कश्मीर फाइल फिल्म देखी हुई होगी वो फिल्म पिछले साल आई थी उसमें जिस तरह से चीज़ों को सच्चाई को हमारे सामने फैक्ट्स के साथ दिखाने की कोशिश की हुई थी ओरिजिनल जो चीज़ें घटी थी ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश की हुई थी ठीक उसी तरह ये फिल्म भी केरला मैंगलोर इस जैसे शहर में जो ये सभी चीज़ें हो रही है वहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी है वो दिखाने की कोशिश की हुई है किस तरह से लवू जिहाद का एंगल दिखाया हुआ है जिस तरह से एक इस्लाम में कन्वर्ट करने का जो एंगल दिखाया वो सभी चीज़ें डायरेक्ट ने बखूबी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है जो रियल लाइफ इंसिडेंट थे जो रियल एविडेंस थे वो सभी चीज़ें इस फिल्म में ज़रूर दिखाई हुई है जो काफ़ी बढ़िया थी जहाँ पे प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी अच्छी थी कम से कम बजट में सभी चीज़ों को जिस तरह से डेवलप किया हुआ है हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया है वैसे इनिशियल डेज पर इस फिल्म को केरला में और बेंगलोर में शूट करने का फ़ैसला लिया था लेकिन वो थोड़ा मुश्किल था उसको आगे जाके थोड़ी मुसीबत आ रही थी और ये सभी चीज़ों के बीच में इस फिल्म को बाद में जब बनाया गया तब काफ़ी ज़्यादा एक अलग अलग लोकेशन चूज़ किए वहाँ पे इस फिल्म को पूरी तरह से शूट किया गया वैसे इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया है लेकिन कुछ सेक्शन ऑफ लिबरल से कुछ ऐसी ऑडियंस है जो वोकिजम वाले ऑडियंस है जो इसमें एजेंडा फालतू का बेफ़ालतू का एजेंडा डालने की कोशिश कर रही है तो वो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो केरला की वो इस फिल्म को दबाने की कोशिश कर रही है वो इसको क्रिटिसाइज़ कर रही है ओवरऑल देखा जाए तो ये फिल्म ऐसा कुछ एजेंडा नहीं है ना तो कोई कुछ चीज़ें इसमें दिखाई हुई ये प्योर रियल इंसिडेंट के ऊपर बनाई गई फिल्म है हाँ जो फिल्म की कहानी है उसको डेवलप करने के लिए चीजों को थोड़ा कनेक्ट किया है अदरवाइज इस फिल्म की जो कहानी है जो घटनाएं दिखाई गई है जिस तरह से इसमें ब्रेन वॉश करते हुए दिखाया हुआ है इससे भी काफ़ी ब्रूटल वे में सभी चीज़ों को किया जाता है ब्रेन वॉश करके जो इस्लाम धर्म में इस लड़कियों को जो बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है उसके बाद में जिस तरह से जो सीरिया में इराक में जो उनके साथ होता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक सीरिया में जिस तरह से इन लड़कियों को धीरे धीरे इनके पास जो चीज़ें करवाई जाती है वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखाया हुआ है फिल्म की एडिटिंग संजय शर्मा ने की हुई है जिन्होंने अच्छी तरह से फिल्म का एडिटिंग किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट ब्रिजेश रेनवाला और विशाख ज्योति ने किया जिन्होंने बखूबी इस फिल्म के जो गाने बैकग्राउंड स्कोर है उसमें काफ़ी काम किया हुआ है इस फिल्म की इन सभी चीज़ों को ये सभी टेक्निकल टीम की तरफ से अच्छा सपोर्ट मिला हुआ था 2010-12 के बाद जितने भी जो केस आए हुए उसके ऊपर इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया हुआ है फिलहाल में बताया जा रहा है कि ये सिर्फ इंडिया का इश्यू नहीं है फिल्म में सभी चीज़ें दिखाई गई है वो ये पूरे वर्ल्ड का इश्यू है क्योंकि ये इस्लाम कन्वर्ट वाला जो प्रोपोगंड है जो एक चीज़ है वो पूरे दुनिया में घूम रही है इंडिया में भी सिर्फ केरला और कर्नाटक तक, तक ये सीमित नहीं रही है ओवरऑल सभी जगह पे इसको प्रॉपर वे में दिखाने की कोशिश की जा रही है तो ये सभी चीज़ें जो घटनाएँ घट रही है जो सभी चीज़ें हो रही है इसके पीछे काफ़ी बुरी एक जो एक नीति है जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने के वो काफ़ी एक ख़राब तरीके से उसका यूज़ किया जा रहा है क्योंकि इस्लाम धर्म कन्वर्ट करने के बाद उसमें भी काफ़ी ब्रूटल वे में उनके साथ चीज़ें की जाती है लाहौल जिहाद का जो एंगल है वो सभी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा हद हाँ तक का एक प्रोपोगंड आइडिया है जो इस कंट्रीज़ में अलग अलग कंट्रीज़ में यूज़ किया जा रहा है तो उन सभी के चीज़ों के अगेंस्ट खड़ा रहना ज़रूरी है तो ये सभी चीज़ें इस फिल्म में ज़रूर दिखाई हुई है जिस तरह से इस फिल्म में बाद में उन विक्टिम्स के साथ क्या होता है उन सभी चीज़ों के ऊपर भी बातचीत की हुई है किस तरह से बाद में गवर्नमेंट की तरफ से टेक रहता है किस तरह से बाद में उनकी फैमिलीज को क्या सी चीज़ों को सफ़र करना पड़ता है वो लड़कियों को क्या सफर करना पड़ता है उन सभी चीजों के ऊपर भी बातचीत किए हुई फिल्म में अदा शर्मा देखने को मिलेगी जिन्होंने सालिनी उन्नी कृष्णन का रोल प्ले किया हुआ फातिमा बा जो उनका कन्वर्ट होने के बाद का नाम है योगी तब बिहानी ने निमहा का रोल प्ले किया हुआ है सोनिया बालानी ने, ने इस फिल्म में आसिफा का रोल प्ले किया हुआ है सिद्धि इदनानी ने गीतांजलि का रोल प्ले किया हुआ है देवादर्शिनी विजय कृष्णा प्रणय पांचोरी प्रणव मिश्रा ये सभी आर्टिस्ट फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इसके अलावा फिल्म के प्रोड्यूसर इस फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर दिखाई देंगे जिनका नाम है विपुल अमृतलाल लाल शाह इस फिल्म के जो आर्टिस्ट है उन्होंने बखूबी अपना काम किया हुआ है अदा शर्मा साली ने उन्नी कृष्णन के रोल में अपना इम्पेक्ट छोड़ती हुई नजर आती है जिस तरह का उनके फेशियल एक्सप्रेशन थे जो डायलॉग थे जो बॉडी लैंग्वेज थी जिस तरह से वो जो ब्रेन वॉश वाले सीन्स थे उसके बाद में उनके साथ जो घटनाएं करती है उसमें उनका जो काम देखने को मिलता है उनके अपने किरदार के प्रति जो अपरोध देखने को मिलता है वो बढ़िया था इसी तरह जो दूसरी एक्ट्रेसिस थी जो आर्टिस्ट थे उन्होंने भी बखूबी एक रो रियल परफॉर्मेंस दी हुई है डायरेक्टर का यहाँ पे प्रोड्यूसर डायरेक्टर का एक सलामी देना चाहूँगा क्योंकि इतना ब्रूटल वे में जो सच्चाई दिखाई हुई वो बढ़िया है वैसे कोई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिलहाल तक मैंने नहीं देखा है कि कोई इस तरह की फिल्मों का टेक लेता है तो इस फिल्म में जिस तरह से प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने अपना ओपिनियन शेयर किया हुआ है अपनी जो बातें रखी हुई थी जो ओरिजिनल रियल इंसिडेंट घटे हुए उसके ऊपर जो बातचीत की हुई है वो बढ़िया है उसमें कोई उन्होंने प्रोपोगेंडा एड नहीं किया हुआ है ना तो उन्होंने उसमें कोई ऐसी चीज़ दूसरी ऐसी चीज़ ऐड की हुई है जिसकी वजह से जो ओरिजिनल फेक्ट्स है उसको तोड़ मरोड़ के दिखाने की कोशिश नहीं की हुई है सभी चीज़ें सच्चाई और रियलिस्टिक के साथ दिखाई हुई है तो ये सभी चीज़ें जो फिल्म को बेहतर बनाती है और इस फिल्म को भले ही एज सर्टिफिकेट मिला हो लेकिन मैं कहूँ तो आप कोई फिल्म फैमिली के साथ जरूर देखनी चाहिए सभी लड़कियों को भी देखनी चाहिए ओवरऑल इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए हो सके तो अपने आसपास इसको शेयर करना चाहिए तो ये सभी इंसिडेंट ये फिल्म देखने के बाद लोगों के दिमाग में बैठेगा तो ये सभी चीज़ों के ऊपर एक अच्छा इम्पेक्ट पड़ेगा कि जो ये ब्रेन वॉश हो रहा है तो उन सभी चीज़ों से लड़कियाँ बच सकती है और फ्यूचर भी बेटर हो सकता है तो ये एक अच्छी बनाई गई फिल्म अच्छे इंटेंशन के साथ बनाई गई फिल्में और ऑडियंस की तरफ उतना ही सपोर्ट मिल रहा है पाँच मई 2023 को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तो उससे पहले फिल्म का टीज़र ट्रेलर आउट हुआ था उसको भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था सपोर्ट मिला था फिल्म को जब रिलीज़ किया गया फिल्म को एक अच्छे खासे सोर्स दिलवाए गए और फिल्म को बेहतर रिलीज़ मिली जहाँ पर ऑडियंस भी इस फिल्म को जाके देख रही है वैसे फ़िलहाल में इस समय में जिस तरह की ऑडियंस की एक थॉट प्रोसेस है उस हिसाब से फिल्म अगर कोई नॉर्मल फिल्म रहती तो ऑडियंस देखने नहीं आती लेकिन इस फिल्म के लिए सभी ऑडियंस ने टाइम निकाला हुआ है सभी लोग देखने जा रही काफी पॉजिटिव टॉक मिल रहा है फिल्म के प्रति और फिल्म ने एक अच्छी अवेयरनेस क्रिएट की हुई वो सभी चीज़ों के ऊपर बातचीत हो रही है तो आपको ये फिल्म फिलहाल में थिएटर में जाके जरूर देखनी चाहिए एक थिएटर में जाके देखने वाली फिल्म है साथ ही में सभी को ये शेयर भी करना चाहिए चीजें इस फिल्म को इलीगल तरीके से नहीं देखना चाहिए ना तो कोई पायरेसी प्रिंट्स देखनी चाहिए इस फिल्म को डायरेक्ट ओरिजिनली आपको थिएटर में देखना चाहिए अदरवाइज आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आने का वेट कर सकते हो तो गाइज इस फिल्म को मिस नहीं करना चाहिए ज़रूर देखना चाहिए फिल्म में एक अच्छा मैसेज है मैसेज है कोई प्रोपोगेंडा नहीं है और रियलिटी को दिखाने की कोशिश किए हुए है तो ये सभी चीज़ें फिल्म की पॉजिटिव साइड है जिसकी वजह से फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए एक अच्छी खासी फिल्म है जिससे एक अच्छा मैसेज मिलता है और साथ ही में जो घटनाएँ घटी है, है उसके बारे में आप अवेयर भी हो जाओगे तो अब इस फिल्म को अब ओ टी टी सेटेलाइट के ऊपर कैसे देख सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें तो फिलहाल में फिल्म थिएटर में चल रही है आने वाले कुछ महीनों में इस फिल्म को बाद में ओ टी टी पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म का नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है वहीं पर आने वाले उसके कुछ समय के बाद इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल के ऊपर एक अलग वर्जन क्रिएट किया जाएगा क्योंकि इसको ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो सैटेलाइट के लिए यू सर्टिफिकेट क्रिएट करवा के इस फिल्म को रिलीज करवाया जाएगा टेलीविजन के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के बाद ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर भी रिलीज करवाया जाएगा द केरला स्टोरी तो इस फिल्म को काफ़ी लंबे समय से बनाने की कोशिश चल रही थी जहाँ पे फाइनली 2023 में इस फिल्म को पूरी तरह से तैयार किया हुआ था वैसे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसकी रीज़न है वैसे न्यूडिटी ऐसा कुछ दिखाया नहीं है लेकिन जिस तरह का फिल्म का जो टॉपिक है उसमें कुछ रेप के केस दिखाए हुए तो उन सभी चीज़ों को इसमें बताया हुआ है तो इस वजह से ये सभी चीजें जो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी और यही सब रीजन के चलते ए सर्टिफिकेट फिल्म को मिला हुआ है द केरला स्टोरी फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सुदीप तो सेन ने स्टोरी आइडिया उनका ही था इसके अलावा जो राइटिंग है उसमें काम किया हुआ है सूर्यपाल सिंह विपुल अमृत लाल शाह और सुदीप तो सेन ने विपुल अमृत लाल शाह ने ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जहां पे सनसाइन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है म्यूज़िक के राइट्स ही उन्होंने अपने ही पास रखे हुए थे ये एक 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है जहाँ पे ये एक ओरिजिनल जो कहानी घटना घटी है वो घटती रहती है उसके ऊपर बेस्ड है तो इस फिल्म में काफ़ी सारे अलग अलग जो टॉपिक है उसके ऊपर फोकस किया हुआ है जैसे कि इसमें लव जिहाद के ऊपर फोकस किया हुआ था जिस तरह से इस्लाम में कन्वर्ट करते हैं लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उन सभी चीज़ों के ऊपर भी फोकस किया हुआ है तो वो सभी चीज़ें केरला और कर्नाटक में मैंगलोर में, में काफ़ी ज्यादा होती है तो उन सभी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है वैसे इस फिल्म को जब बनाया गया तो बॉलीवुड बो, की तरफ से कोई ऑफिशियली इस फिल्म को वैसे सपोर्ट नहीं मिला हुआ है लेकिन इस फिल्म को स्टैंड अलोन तरीके से जैसे कि इस फिल्म को एक पब्लिक डोमेन में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट, जा, सपोर्ट मिला हुआ है पब्लिक की तरफ से ज़्यादा सपोर्ट मिला हुआ है वैसे फिल्म को रिलीज़ किया गया तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल हुआ है जो मैं वो समोसा क्रिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ जेन्यून ऑडियंस जेनुअन पब्लिक की बात कर रहा हूँ सभी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस से लेकर टेक्निकली इस फिल्म को वेल मेड तरीके से बनाया हुआ है अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है हाँ फिल्म का बजट कम था तो उस हिसाब से चीज़ों को इधर उधर थोड़ा बहुत आपको इग्नोर करना पड़ेगा लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी खासी तरीके से बनी गई फिल्म है जो मैसेज कने किया हुआ जिस तरह से चीजों को डायरेक्टर ने दिखाया हुआ था वो बढ़िया था जहाँ पे जो स्टोरी लिखी हुई थी जिस तरह से चार लड़कियों की कहानी दिखाई हुई थी उसमें जो सभी चीजें डेवलप की हुई थी किरदारों के अंदर जो एक उन्होंने देख क्रिएट की हुई थी साथ ही में जो हकीकत में जो घटनाएं घटी थी उन सभी चीजों के ऊपर जिस तरह से फोकस किया हुआ था अफगान जेल वाले सीक्वेंस थे इसके अलावा इंडिया में जो मलयाली लड़कियों को जिस तरह से अलग अलग तरीके से हिंदू लड़कियों को और क्रिश्चियन अलग अलग कम्युनिटी की लड़कियों को का मुस्लिम में कन्वर्ट करते इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करवा के जो सभी चीज़ें फिल्म में ब्रेन वॉश किस तरह से करते उसमें जो एक डिटेलिंग के साथ चीज़ें दिखाई वो बढ़िया है उसके बाद में वो सभी चीज़ें जब हो जाती उसके बाद में उन लड़कियों के साथ क्या होता है वो सभी चीजें दिखाई हुए वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाई हुई है ये सभी चीजें देखते समय आप जरूर शौक हो जाओगे डायरेक्टर ने जिस तरह चीजें को पेश किया हुआ वो काफी बढ़िया है इससे पहले आपने कश्मीर फाइल फिल्म्स देखी हुई होगी वो फिल्म पिछले साल आई थी उसमें जिस तरह से चीज़ों को सच्चाई को हमारे सामने फैक्ट्स के साथ दिखाने की कोशिश की हुई थी ओरिजिनल जो चीज़ें घटी थी ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश की हुई थी ठीक उसी तरह ये फिल्म भी केरला मैंगलोर इस जैसे शहर में जो ये सभी चीज़ें हो रही है वहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी है वो दिखाने की कोशिश की हुई है किस तरह से लवू जिहाद का एंगल दिखाया हुआ है जिस तरह से एक इस्लाम में कन्वर्ट करने का जो एंगल दिखाया वो सभी चीज़ें डायरेक्ट ने बखूबी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है जो रियल लाइफ इंसिडेंट थे जो रियल एविडेंस थे वो सभी चीज़ें इस फिल्म में ज़रूर दिखाई हुई है जो काफ़ी बढ़िया थी जहाँ पे प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी अच्छी थी कम से कम बजट में सभी चीज़ों को जिस तरह से डेवलप किया हुआ है हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया है वैसे इनिशियल डेज पर इस फिल्म को केरला में और बेंगलोर में शूट करने का फ़ैसला लिया था लेकिन वो थोड़ा मुश्किल था उसको आगे जाके थोड़ी मुसीबत आ रही थी और ये सभी चीज़ों के बीच में इस फिल्म को बाद में जब बनाया गया तब काफ़ी ज़्यादा एक अलग अलग लोकेशन चूज़ किए वहाँ पे इस फिल्म को पूरी तरह से शूट किया गया वैसे इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया है लेकिन कुछ सेक्शन ऑफ लिबरल से कुछ ऐसी ऑडियंस है जो वोकिजम वाले ऑडियंस है जो इसमें एजेंडा फालतू का बेफ़ालतू का एजेंडा डालने की कोशिश कर रही है तो वो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो केरला की वो इस फिल्म को दबाने की कोशिश कर रही है वो इसको क्रिटिसाइज़ कर रही है ओवरऑल देखा जाए तो ये फिल्म ऐसा कुछ एजेंडा नहीं है ना तो कोई कुछ चीज़ें इसमें दिखाई हुई ये प्योर रियल इंसिडेंट के ऊपर बनाई गई फिल्म है हाँ जो फिल्म की कहानी है उसको डेवलप करने के लिए चीजों को थोड़ा कनेक्ट किया है अदरवाइज इस फिल्म की जो कहानी है जो घटनाएं दिखाई गई है जिस तरह से इसमें ब्रेन वॉश करते हुए दिखाया हुआ है इससे भी काफ़ी ब्रूटल वे में सभी चीज़ों को किया जाता है ब्रेन वॉश करके जो इस्लाम धर्म में इस लड़कियों को जो बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है उसके बाद में जिस तरह से जो सीरिया में इराक में जो उनके साथ होता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक सीरिया में जिस तरह से इन लड़कियों को धीरे धीरे इनके पास जो चीज़ें करवाई जाती है वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखाए हुए फिल्म की एडिटिंग संजय शर्मा ने की हुई है जिन्होंने अच्छी तरह से फिल्म का एडिटिंग किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट ब्रिजेश रेनवाला और विशाख ज्योति ने किया जिन्होंने बखूबी इस फिल्म के जो गाने बैकग्राउंड स्कोर है उसमें काफ़ी काम किया हुआ है इस फिल्म की इन सभी चीज़ों को ये सभी टेक्निकल टीम की तरफ से अच्छा सपोर्ट मिला हुआ था 2010-12 के बाद जितने भी जो केस आए हुए उसके ऊपर इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया हुआ है फिलहाल में बताया जा रहा है कि ये सिर्फ इंडिया का इश्यू नहीं है फिल्म में सभी चीज़ें दिखाई गई है वो ये पूरे वर्ल्ड का इश्यू है क्योंकि ये इस्लाम कन्वर्ट वाला जो प्रोपोगंड है जो एक चीज़ है वो पूरे दुनिया में घूम रही है इंडिया में भी सिर्फ केरला और कर्नाटक तक, तक ये सीमित नहीं रही है ओवरऑल सभी जगह पे इसको प्रॉपर वे में दिखाने की कोशिश की जा रही है तो ये सभी चीज़ें जो घटनाएँ घट रही है जो सभी चीज़ें हो रही है इसके पीछे काफ़ी बुरी एक जो एक नीति है जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने के वो काफ़ी एक ख़राब तरीके से उसका यूज़ किया जा रहा है क्योंकि इस्लाम धर्म कन्वर्ट करने के बाद उसमें भी काफ़ी ब्रूटल वे में उनके साथ चीज़ें की जाती है लाहौ जिहाद का जो एंगल है वो सभी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा हद तक का एक प्रोपोगंड आइडिया है जो इस कंट्रीज़ में अलग अलग कंट्रीज़ में यूज़ किया जा रहा है तो उन सभी चीजों के चीज़ों के अगेंस्ट खड़ा रहना ज़रूरी है तो ये सभी चीज़ें इस फिल्म में ज़रूर दिखाई हुई है जिस तरह से इस फिल्म में बाद में उन विक्टिम्स के साथ क्या होता है उन सभी चीज़ों के ऊपर भी बातचीत की हुई है किस तरह से बाद में गवर्नमेंट की तरफ से टेक रहता है किस तरह से बाद में उनकी फैमिलीज को क्या सी चीज़ों को सफ़र करना पड़ता है वो लड़कियों को क्या सफर करना पड़ता है उन सभी चीजों के ऊपर भी बातचीत किए हुई फिल्म में अदा शर्मा देखने को मिलेगी जिन्होंने सालिनी उन्नी कृष्णन का रोल प्ले किया हुआ फातिमा बा जो उनका कन्वर्ट होने के बाद का नाम है योगी तब बिहानी ने निमहा का रोल प्ले किया हुआ है सोनिया बालानी ने इस फिल्म में आसिफा का रोल प्ले किया हुआ है सिद्धि इदनानी ने गीतांजलि का रोल प्ले किया हुआ है देवादर्शिनी विजय कृष्णा प्रणय पांचोरी प्रणव मिश्रा ये सभी आर्टिस्ट फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इसके अलावा फिल्म के प्रोड्यूसर इस फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर दिखाई देंगे जिनका नाम है विपुल अमृतलाल लाल शाह इस फिल्म के जो आर्टिस्ट है उन्होंने बखूबी अपना काम किया हुआ है अदा शर्मा साली ने उन्नी कृष्णन के रोल में अपना इम्पेक्ट छोड़ती हुई नजर आती है जिस तरह का उनके फेशियल एक्सप्रेशन थे जो डायलॉग थे जो बॉडी लैंग्वेज थी जिस तरह से वो जो ब्रेन वॉश वाले सीन्स थे उसके बाद में उनके साथ जो घटनाएं करती है उसमें उनका जो काम देखने को मिलता है उनके अपने किरदार के प्रति जो अपरोध देखने को मिलता है वो बढ़िया था इसी तरह जो दूसरी एक्ट्रेसिस थी जो आर्टिस्ट थे उन्होंने भी बखूबी एक रो रियल परफॉर्मेंस दी हुई है डायरेक्टर का यहाँ पे प्रोड्यूसर डायरेक्टर का एक आ, सलामी देना चाहूंगा क्योंकि इतना ब्रूटल वे में जो सच्चाई दिखाई हुई वो बढ़िया है वैसे कोई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिलहाल तक मैंने नहीं देखा है कि कोई इस तरह की फिल्मों का टेक लेता है तो इस फिल्म में जिस तरह से प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने अपना ओपिनियन शेयर किया हुआ है अपनी जो बातें रखी हुई थी जो ओरिजिनल रियल इंसिडेंट घटे हुए उसके ऊपर जो बातचीत की हुई है वो बढ़िया है उसमें कोई उन्होंने प्रोपोगेंडा एड नहीं किया हुआ है ना तो उन्होंने उसमें कोई ऐसी चीज़ चीज ऐड की हुई जिसकी वजह से जो ओरिजिनल फैक्ट है उसको तोड़ मरोड़ के दिखाने की कोशिश नहीं की हुई सभी चीज़ें सच्चाई और रियलिस्टिक के साथ दिखाई हुई है तो ये सभी चीजें जो फिल्म को बेहतर बनाती है और इस फिल्म को भले ही एज सर्टिफिकेट मिला हो लेकिन मैं कहूँ तो आपको ये फिल्म फैमिली के साथ जरूर देखनी चाहिए सभी लड़कियों को भी देखनी चाहिए ओवरऑल इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए हो सके तो अपने आसपास इसको शेयर करना चाहिए तो ये सभी इंसिडेंट ये फिल्म देखने के बाद लोगों के दिमाग में बैठेगा तो ये सभी चीज़ों के पर एक अच्छा इंपेक्ट पड़ेगा कि जो ये ब्रेन वॉश हो रहा है तो उन सभी चीजों से लड़कियां बच सकती है और फ्यूचर भी बेटर हो सकता है तो ये एक अच्छी बनाई गई फिल्म इंटेंसन के साथ बनाई गई फिल्म और ऑडियंस की तरफ उतना ही सपोर्ट मर रहा, मिल रहा है पांच मई दो को इस फिल्म को रिलीज किया गया तो उससे पहले फिल्म का टीजर ट्रेलर आउट हुआ था उसको भी काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था सपोर्ट मिला था फिल्म को जब रिलीज किया गया फिल्म को एक अच्छे खासे सोर्स दिलवाए गए और फिल्म को बेहतर रिलीज मिले जहाँ पे ऑडियंस भी इस फिल्म को जाके देख रही है वैसे फिलहाल में इस समय में जिस तरह की ऑडियंस की एक थॉट प्रोसेस है उस हिसाब से फिल्म अगर कोई नॉर्मल फिल्म रहती तो ऑडियंस देखने नहीं आती लेकिन इस फिल्म के लिए सभी ऑडियंस ने टाइम निकाला हुआ है सभी लोग देखने जा रहे हैं काफ़ी पॉजिटिव टॉक मिल रहा है फिल्म के प्रति और फिल्म ने एक अच्छी अवेयरनेस क्रिएट की हुई वो सभी चीज़ों के ऊपर बातचीत हो रही है तो आपको ये फिल्म फिलहाल में थिएटर में जाके जरूर देखनी चाहिए एक थिएटर में जाके देखने वाली फिल्म में साथ ही में सभी को ये भी करना चाहिए चीजें इस फिल्म को इनलीगल तरीके से नहीं देखना चाहिए ना तो कोई पायरेसी प्रिंट्स देखनी चाहिए इस फिल्म को डायरेक्ट ओरिजिनली आपको थिएटर में देखना चाहिए अदरवाइज आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने का वेट कर सकते हो तो गाइज इस फिल्म को मिस नहीं करना चाहिए ज़रूर देखना चाहिए फिल्म में एक अच्छा मैसेज है मैसेज है कोई प्रोपोगेंडा नहीं है और रियलिटी को दिखाने की कोशिश किए हुए है तो ये सभी चीज़ें फिल्म की पॉजिटिव साइड है जिसकी वजह से फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए एक अच्छी खासी फिल्म है जिससे एक अच्छा मैसेज मिलता है और साथ ही में जो घटनाएँ घटी है, है उसके बारे में आप अवेयर भी हो जाओगे तो अब इस फिल्म को अब ओ टी टी सेटेलाइट के ऊपर कैसे देख सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें तो फिलहाल में फिल्म थिएटर में चल रही है आने वाले कुछ महीनों में इस फिल्म को बाद में ओ टी टी पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म का नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है वहीं पर आने वाले उसके कुछ समय के बाद इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल के ऊपर एक अलग वर्जन क्रिएट किया जाएगा क्योंकि इसको ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो सैटेलाइट के लिए यू सर्टिफिकेट क्रिएट करवा के इस फिल्म को रिलीज करवाया जाएगा टेलीविजन के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के बाद ओ और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर भी रिलीज करवाया जाएगा तो बस गाइज द केरला स्टोरी फिल्म के ऊपर जो भी मेरे पास इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है फिल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा की हुई है साथ ही में इस फिल्म से जुड़े जो भी मेरे पास जो बातें थी वो शेयर की हुई फिल्म के आर्टिस्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी दे दिए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू